का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, पढ़ाई हो जो करनी, पढ़ाई हो जो करनी, जरा भी ना घबराना, जरा भी ना घबराना, गोल्डन बुक्स को अपनाना, अपना इंडिया, गोल्डन बुक्स का दीवाना। कक्षा विषय कोई हो आसान समझ पाना, गोल्डन ही तो है सफलता का पैमाना। गोल्डन मिला रहा है चेहरे पे मुस्कुराना, चेहरे पे मुस्कुराना, मैं गोल्डन का दीवाना, अपना इंडिया, बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार धामा जी, नमस्कार। मैं महेश धामा, गोल्डन हिंदी एडिटर और न्यू एज पब्लिकेशन की ओर से इस वेबिनार के संचालक के रूप में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पहले से ही ज्ञात है कि आज हम इस शैक्षणिक सत्र 2022-23 CBSE द्वारा किए गए परिवर्तन और उसमें जो नए अध्याय जोड़े गए हैं उन पर चर्चा करेंगे, और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर अशोक बत्रा जी। लेकिन उनसे पहले मैं आपको उस शख्सियत का परिचय कराना चाहता हूं जिन्होंने ये वेबिनार आयोजन कराया और जो न्यू एज इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं, श्री सौम्य गुप्ता जी। श्री सौम्य गुप्ता जी से मैं आपका पहले एक बार इंट्रोडक्शन कराऊंगा। श्री सौम्य सर पिछले 20 वर्षों से इस पब्लिकेशन को संभाल रहे हैं और सर ने केमिकल में इंजीनियरिंग तथा पब्लिकेशन में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से MS किया हुआ है। इनकी देखरेख में न्यू एज कंपनी दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की कर रही है। सौम्य जी का उद्देश्य केवल अच्छी पुस्तकें या सर्वोत्तम पुस्तकें बेचना ही नहीं है, बल्कि उनका सपना है कि देश का आज जो छात्र है, कल जो नवयुवक बनेगा, वो एक आदर्शवादी व्यक्तित्व वाला इंसान बने, ऐसा सर का सपना है। अब मैं श्री सौम्य गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वे आए तथा कंपनी और पुस्तकों के विषय में संक्षेप में कुछ जानकारी सभी पैनलिस्ट और सभी अटेंडेंस को दे। श्री सौम्य गुप्ता जी, निवेदन करता हूं, प्लीज आए। नमस्कार, मैं सौम्य गुप्ता। आज इस हिंदी वेबिनार में भाग लेने वाले सभी गणमान्य अध्यापकों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, विशेष रूप से डॉक्टर अशोक बत्रा जी जो इस वेबिनार का संचालन करेंगे, और उन सभी पैनलिस्ट का जो हिंदी विषय के में सार्थक चर्चा के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर्स की गोल्डन की पुस्तकें संपूर्ण भारत में पहचान बनाए हुए हैं। गोल्डन की पुस्तकें NCERT पर आधारित तथा CBSE के नवीनतम पाठ्यक्रम पर बनी हुई है। इन पुस्तकों की प्रशंसा अध्यापकों और छात्रों के साथ साथ अभिभावक भी करते हैं। CBSE के पाठ्यक्रम तथा NCERT की पाठ्य पुस्तकों में किए जाने वाले छोटे छोटे परिवर्तन को हम समय समय पर गोल्डन की पुस्तकों में जल्द से जल्द कर देते हैं, ताकि छात्रों और अध्यापकों को कोई परेशानी न उठानी पड़े। इसके लिए हमारी कंपनी की मार्केटिंग ऑफिसेज हैं और भारत के सभी बड़े शहरों में हमारा ऑफिस है। कंपनी स्कूल श्रृंखला में सभी प्रकार की पुस्तकें प्रकाशित करती है, जो कि NCERT बेस्ड बुक्स भी हैं, गोल्डन के नाम से चिल्ड्रन बुक्स और जनरल बुक्स। गोल्डन ऑल इन वन फर्स्ट टू फिफ्थ तक की पुस्तकों में रिमझिम पाठ्य पुस्तकों का संपूर्ण हल दिया गया है। गोल्डन 6th to 10th में NCERT की पाठ्य पुस्तक वसंत, स्पर्श, संचन आदि का संपूर्ण हल दिया गया है। गोल्डन की पुस्तकें पढ़कर छात्र गर्व महसूस करते हैं। 1 से 5वीं तक की गोल्डन हिंदी वर्कबुक पाठ्य पुस्तक रिमझिम पर आधारित है। ये पुस्तकें आज के छात्रों की पहली पसंद बनी हुई है। 6th से 10th तक की गोल्डन हिंदी वर्कबुक NCERT के पाठ्य पुस्तकों पर आधारित ये पुस्तकें भी बहुत सराहनीय हैं। व्याकरण श्रृंखला में नवजीवन हिंदी व्याकरण कक्षा 1 से 10वीं तक की आती है, तथा हिंदी बी कोर्स के लिए उत्सव हिंदी व्याकरण
कक्षा 9 और 10वीं की भी आती है। हिंदी पाठ्य पुस्तक श्रृंखला में मधुर हिंदी पाठमाला प्रवेशिका से 8वीं क्लास तक उपलब्ध है। इन पुस्तकों में भारत के सभी त्यौहार, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, देशभक्ति के गीत एवं घटनाएं प्रमुखता से दी गई हैं। इस वेबिनार में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी को हम एक प्रमाण पत्र देंगे। सभी अध्यापकगण से निवेदन है कि वो अपने ई प्रमाण पत्र के लिए, जो वेबिनार खत्म हो जाएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में एक फीडबैक का लिंक आएगा, कृपया उस फीडबैक लिंक से फॉर्म भर के भेजें जिसमें कि उनके करेक्ट स्पेलिंग और स्कूल की स्पेलिंग होगी, ताकि सर्टिफिकेट पे कोई गलती ना रहे। स्पेसिमेन कॉपीज को प्राप्त करने के लिए हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि आप specimen@newagepublishers.com पर अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, पुस्तक की जानकारी लिखकर भेजें। हम जल्द से जल्द किताबों को भेजने का प्रयास करेंगे, तो कृपया धैर्य बनाए रखें। धन्यवाद। महेश जी स्टार्ट करिए प्लीज। आज के इस वेबिनार में हमारे पैनलिस्ट के रूप में कई अध्यापक गण हमारे साथ जुड़े हैं। ये भारत के कोने कोने से हमारे साथ जुड़े हैं। आइए मैं उन सबका इंट्रोडक्शन आपसे करवाता हूँ। श्रीमती पूनम बांगा जी फरीदाबाद हरियाणा आयसर स्कूल में हिंदी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, और श्रीमती पूनम नारंग जी हमारे साथ बेंगलोर से जुड़ी हुई है। मैम बेंगलोर में हिंदी की सेवाएं दे रही है। डॉक्टर जितेंद्र प्रताप यादव जी सर दुबरी आसाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं पैनल में, और श्रीमती पंकज शर्मा जी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्रीमती शुशन वी थॉमस जी केरल से हमारे साथ जुड़ी हुई है, और योगिता कपूरिया जी नोएडा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हुई है। साथियों, ये सभी शिक्षक देश के भिन्न भिन्न कोने में हिंदी कोर्स बी को पिछले कई दशकों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और ये सभी के सभी अपने हिंदी विषय में एक व्याकरण और भाषाविद के साथ साथ एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इन सभी अध्यापकों का मैं तहे दिल से इस वेबिनार में स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपना कीमती समय दे करके हमें कृतार्थ किया। अब मैं डॉक्टर अशोक बत्रा जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और आज के इस 2022-23 के सेशन को अपने मुखमंडल से इन सभी अध्यापकों को और हम लोगों को समझाए कि किस तरह से इस बार जब स्कूल थोड़े ओपन हो गए हैं और फिजिकली बच्चे क्लासों में जा रहे हैं, इस बार CBSE क्या करना चाहती है और किस तरीके से इस पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहती है। तो बत्रा जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखे। धन्यवाद महेश जी, न्यू एज पब्लिकेशन का धन्यवाद। आज के इस वेबिनार में जुड़े सभी विद्वान और विदुषी पैनलिस्ट और यहाँ उपस्थित सभी अध्यापकों को सर्वप्रथम मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। हिंदी के बारे में, अपनी आजीविका ही नहीं, राष्ट्रभाषा के बारे में जब हम आपस में विचार विमर्श करने के लिए बैठते हैं तो अच्छा लगता है। आज पैनलिस्ट के रूप में फरीदाबाद से पूनम बांगा जी हैं, और बेंगलोर से पूनम जी हैं, जितेंद्र यादव जी हमारे बीच में हैं, पंकज शर्मा जी हैं, योगिता जी हैं, और एक दो नाम शायद मैं पूरी तरह सुन नहीं पाया। ये सब पैनलिस्ट हमारे साथ हैं और काफी समय से सुदीर्घ अनुभव है उनका अध्यापन का, तो उनके साथ मैं कुछ विषय आपके समक्ष रखना चाहूंगा। आज मुख्य रूप से ये विषय है कि CBSE हर साल उसकी नीति है, ऐसा मैं कई वर्षों से देख रहा हूं, प्रत्येक वर्ष थोड़ा बहुत पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर देना। यह मैं भी नहीं समझ पाता कि हर वर्ष परिवर्तन की क्या जरूरत आन पड़ती है, परंतु पिछले दो वर्ष ऐसे जरूर गए हैं जब कोरोना की वजह से ये तय ही नहीं हो पाता था कि परीक्षाएं होंगी कि नहीं होंगी, होंगी तो ऑनलाइन होंगी, संक्षिप्त होंगी, विस्तृत होंगी, तो बहुत ऐसी स्थितियां थी। उन स्थितियों में
जैसा भी बन पड़ा सीबीएसई ने परिवर्तन किए और हम उस परिवर्तन के दौर से गुजर कर बाहर निकले ही हैं, जैसे पहाड़ों से आकर अभी बस जमीन पर उतरे, अभी तक मैदान में आए नहीं है अभी। इसलिए कुछ कंफ्यूजन, कुछ संभ्रम है। एक बार पाठ्यक्रम ऐसा आया कि जैसे वो ऑनलाइन के हिसाब से बनेगा, फिर यूं लगा विद्यालय खुल गए तो और ढंग से पाठ्यक्रम आया। परीक्षा योजना अब भी बदल सकती है। अब आप आज जो हम बोल रहे हैं, ऐसा हो सकता है 5-6 महीने बाद जब स्थितियां एकदम सामान्य हो जाएं और जब पाठ्यक्रम को कुछ रिड्यूस किया गया होगा, कुछ मैनेज किया गया होगा, कुछ कम किया गया होगा, हो सकता है वह पुनः अपने पूर्व स्वरूप पर चला जाए। फिलहाल मैं विविध परिवर्तन जो हुए हैं उसके कारण से हमारे मस्तिष्क में एक भ्रम सा खड़ा हो गया कि इस समय पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या है। तो मैं पिछले 2-2.5 साल में जो 3-4 बार परिवर्तन हुए उन परिवर्तनों की चर्चा करूंगा तो वे परिवर्तन फिर से आपके दिमाग में भ्रम पैदा कर देंगे। तो मैं आज क्या स्थिति है केवल उस स्थिति पर बोलूंगा, आप थोड़ा उनकी ओर बारीकी से ध्यान करें। आज का विषय है 9वीं और 10वीं, इन दोनों के बी पाठ्यक्रम में आज स्वरूप क्या है वह मैं लूंगा। लेकिन सबसे पहले जो आपके सामने ये बोर्ड पर कुछ 5 विषय आए हैं, मेरे पास मुश्किल से 45 मिनट हैं बोलने के लिए और 5 विषय हैं। ये विषय या तो नए हैं या नए जैसे हैं या जिनमें कुछ भ्रम है। आपकी बहुत अधिक डिमांड आई है कि इस विषय पर मैं बोलूं, तो 45 मिनट 9-9 मिनट मुश्किल से मिलेंगे। औपचारिक ईमेल लेखन नया विषय जुड़ा है उस पर मैं बात करूंगा। चित्र वर्णन जो पहले 30 शब्दों का होता था अब 100 शब्दों का हो गया, आसान नहीं है ये काम। 30 शब्दों का अभ्यास था, अब 100 शब्दों में कैसे उसे रूपांतरित करें। लघु कथा लेखन पिछले वर्ष ही नया जुड़ा था तो उसमें पहले कुछ और स्वरूप था, अब बदलाव हुआ है, इस पर बात करूंगा। संवाद लेखन में एक नई चीज जोड़ी गई है कि आप मुक्त होकर नहीं लिख सकते जैसा आपके मन में आए, बल्कि एक परिस्थिति दी जाएगी सामने, तो प्रश्न पत्र का क्या स्वरूप हो सकता है उस पर चर्चा करेंगे। और एक विषय है जिसे हम अध्यापक थोड़ा कम विचार कर पाते हैं इसलिए संभ्रम बने रहते हैं, वह पदबंध और उसके भेद। इन 5 विषयों पर मैं चर्चा करूंगा, कोशिश करूंगा इतने कम समय में एक एक विषय को बोलने के लिए। पिछली बार लघु कथा पर मैंने 1.5 घंटा बोला था, आज मैं 8-9 मिनट में उसको कैसे समेटूंगा मेरे लिए एक चुनौती है, परंतु हम जरूर कर लेंगे। अब जरा नेक्स्ट चले, हम पहले पाठ्यक्रम की ओर लेकर चलता हूं। पहले पाठ्यक्रम की ओर ध्यान कीजिए। 9वीं और 10वीं दोनों के पाठ्यक्रम की बात कर रहा हूं। अब तक अपठित पद्यांश और अपठित गद्यांश, कभी क्या होता था कि दो दो दे दिए जाते थे, एक एक करना होता था, लेकिन अब वर्तमान में स्थिति है कि 9वीं हो या 10वीं दोनों में अपठित गद्यांश हैं, पद्यांश है ही नहीं, ना 9वीं में ना 10वीं में नहीं है। 200 शब्दों का एक गद्यांश दिया जाएगा जिसमें एक एक नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान करें, इसमें बिल्कुल नहीं लिखा है कि ये प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। इसका अर्थ ये हुआ, मैंने स्पष्ट लिख रखा है, लघुतरात्मक भी हो सकते हैं और बहुविकल्पी भी हो सकते हैं। यही हम सबकी दिक्कत होती है कि इसके बाद अब बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला शुरू होगी। उनको देखकर हमारे मन में ये बात बैठ जाती कि शायद अपठित गद्यांश के भी जो प्रश्न है वो बहुविकल्पी होंगे। ये जरूरी नहीं है क्योंकि उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो लघुतरात्मक भी हो सकते हैं जिसे 10 या 15 शब्दों में या 1 शब्द में उत्तर देना हो, और बहुविकल्पी भी हो सकते हैं। 9वीं में भी यही स्थिति है और 10वीं में भी यही स्थिति है। ये परिवर्तन इस जो 22-23 की परीक्षा में यही होने वाला है। इसलिए हमारी जो ये 2 पुस्तकें हैं गोल्डन जो बी कोर्स की हैं, हमने पहले से ही ध्यान रखा है जितने भी अनुच्छेद दिए हैं उसमें दोनों तरह के प्रश्न दिए हैं, 5 लघुतरात्मक भी दे रखे हैं और साथ साथ 5 बहुविकल्पी भी दे रखे हैं, क्योंकि पब्लिशर के सामने भी समस्या होती है, 3 महीने बाद परिवर्तन कर दिया जी, अब तो बहुविकल्पी आएंगे तो क्या किया जाए। तो एक नीति अपनाई, थोड़े से पृष्ठ फालतू लग जाएंगे,
चार पृष्ठ फालतू लग जाएंगे, तीन पृष्ठ फालतू लग जाएंगे। ऐसा करें दोनों तरह के सवाल दे दें, तो प्रत्येक अनुच्छेद के साथ दोनों ही तरह के लघुत्तरात्मक और साथ साथ बहुविकल्पी दोनों दिए गए हैं। इस दृष्टि से पुस्तक अपने आप में पूर्ण हो जाती है, बीच में पाठ्यक्रम बदलने के कारण से अधूरापन नहीं अनुभव करेंगे आप। अब चलते व्याकरण की तरफ। व्याकरण नौवीं हो या दसवीं, दोनों में ही एक ही बात है कि 21 प्रश्न पूछे जाएंगे और 16 को आपने अटेम्प्ट करना है। ध्यान करें, 21 पूछे जाएंगे, इसका सीधा सा अर्थ है कि इसमें चॉइस होगी। तो चॉइस नौवीं में अलग तरह के और दसवीं में अलग तरह के। तो मैं एक बार आपको व्याकरण पर 21 प्रश्न मैंने लिख रखा है, चॉइस होगी। नौवीं में 5 टॉपिक्स हैं, लेकिन 5 टॉपिक्स में यदि आप ये नवमी की व्याकरण वाला पृष्ठ खोल दें तो अच्छा रहेगा। देखिए नवमी के व्याकरण वाले पोर्शन में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, टॉपिक बदलते रहे हैं। इस बार जो टॉपिक रखे गए हैं क्या आप बदल सकते हैं टॉपिक जिसमें लिखे हैं नवमी के व्याकरण के? जरा एक सेकंड, ये आ गया। शब्द और पद, अनुस्वार अनुनासिक, उपसर्ग प्रत्यय से शब्द निर्माण, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, संधि और विराम चिन्ह, इनमें बाकी पांचों में तो एक एक चॉइस है। लास्ट के पांचों में शब्द और पद में कोई चॉइस नहीं है, जितने प्रश्न पूछे जाएंगे उतनों का उत्तर देना पड़ेगा। 21 सवाल होंगे, 21 में से 16 के उत्तर देने हैं। इन 6 के 6 हिस्सों में शब्द और पद एक ऐसा है जिसमें कोई चॉइस नहीं है, बाकी पांचों में एक एक चॉइस होगी। 3 दिए होंगे तो 2 करने होंगे, 4 दिए होंगे तो 3 करने होंगे। अब आइए दसवीं पर, इतना बताना पर्याप्त था। दसवीं बी में, इसमें भी 21 सवाल पूछे जाएंगे। तो ये सवाल कैसे पूछे जाएंगे, ये मुहावरे जो है ये 6 पूछे जाएंगे, इसका उत्तर 4 का उत्तर देना होगा। 6 यानी चॉइस जो है वो डेढ़ गुनी होगी। बाकी सब में 5-5 पूछे जाएंगे और 4 का उत्तर देना होगा, यानी 21 सवाल हो गए। अब ध्यान करें, 4 को 5 से गुना करें, 20, 1 21, क्योंकि मुहावरे में 6 हैं। तो ये दसवें की व्याकरण के ये रूप है, पदबंध रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर, समास और मुहावरों का प्रयोग। अब आगे चलें, व्याकरण और अपठित गद्यांश पर अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं समझता हूं बहुत स्पष्ट है, नौवीं दसवीं में एक ही नीति रखी गई। अब आगे चलते हैं, अब पाठ्य पुस्तक पर चलें। इसमें देखिए इसके भी दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो पाठ्य पुस्तक में बहुविकल्पी प्रश्नों का है, एक बार जो बहुविकल्पी प्रश्न, एक बार फिर से पिछले पृष्ठ पर चलिए जी। देखिए पाठ्य पुस्तक स्पर्श, नीचे नीचे देखिए, स्पर्श में जो पठित गद्यांश और पठित पद्यांश, अब ये पठित गद्यांश और पठित पद्यांश क्या होंगे मैं थोड़ी देर में आपके सामने रखूंगा, क्योंकि पहले पुस्तक में 13-13 चैप्टर, 13 या 11-12 ऐसे चैप्टर थे। इस बार यूं किया गया है कि कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं, 10 ही चैप्टर रखे गए हैं, 5 कविता के और 5 गद्य के। ये कौन से हैं ये अभी डिस्प्ले किया जाएगा। फिलहाल इनकी नौवीं और दसवीं की पॉलिसी एक है, वो आप अपने दिमाग में बिठा लें तो भूलेगा नहीं। जो स्पर्श पाठ्य पुस्तक है, पद्यांश पर 5 एक पैराग्राफ दिया जाएगा कविता का, गद्य में भी एक पैराग्राफ दिया जाएगा, दोनों में एक एक पैराग्राफ दिया जाएगा, और उसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 के 5 बहुविकल्पी होंगे। ध्यान कर उसमें कोई चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है। बिना चॉइस के एक एक पैराग्राफ गद्य का, एक पद्य का, 5 सवाल बहुविकल्पी होंगे। ये नौवीं में भी यही है और दसवीं में भी यही है। इसी तरह से 2-2 प्रश्न बहुविकल्पी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पद्यांश की जितने भी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में हैं, इनमें से किसी भी किन्हीं भी दो, इसमें चॉइस नहीं, किन्हीं भी 2 चैप्टर्स में एक बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा। मान लीजिए कबीर हैं, तो पूरे कबीर में से ही कोई एक प्रश्न पूछ लिया गया बहुविकल्पी। इसी तरह से गद्यांश के भी जितने भी चैप्टर्स हैं, इनमें से किन्हीं 2 चैप्टर्स से एक बहुविकल्पी प्रश्न पूरे चैप्टर में से, ऊपर वाला किसी एक गद्यांश में से था, वो गद्यांश तक सीमित था, परंतु पूरे चैप्टर में से 2-2 सवाल पूछे जाएंगे,
इस तरह से 7 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न स्पर्श के पद्यांश में से और 7 नंबर के प्रश्न गद्यांश में से 14 नंबर यह बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से इन दोनों पुस्तकों में से पूछे जाएंगे। जो दूसरी पुस्तक है संचयन, उसमें से बहुविकल्पी कोई प्रश्न नहीं है। मैं समझता हूं कि बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला पूरी होती है। अब ये जो दोनों पुस्तकें हैं, इन दोनों पुस्तकों में से कुछ प्रश्न वर्णनात्मक भी हैं। अब अगले पृष्ठ पर आइए, आइए वर्णनात्मक। वर्णनात्मक में एक पॉलिसी आप ध्यान कर ले, बहुत ही आसान समझने की है, कि कितने अंकों का कोई प्रश्न हो तो उसका विस्तार कितना हो, सीबीएसई ने एक नीति बना ली है। 1 नंबर का प्रश्न है तो उसका उत्तर 15 से 20 शब्दों में देना चाहिए। 1 शब्द में खत्म होता तो कोई बात नहीं, लेकिन अधिक से अधिक 20 शब्द में होना चाहिए। 2 नंबर का है तो 30 से 40 शब्दों के बीच में सिमट जाना चाहिए, 20 से गुणा करते जाइए। 3 नंबर का प्रश्न है तो 50 से 60 शब्दों में वह पूरा हो जाना चाहिए, और अगर 4 अंकों का है तो 70 से 80 शब्दों में पूरा हो जाना चाहिए, और यदि 5 नंबर का कोई प्रश्न है तो वो 100 शब्दों के साथ सिमट जाना चाहिए। ये एक नीति है, 20 से गुणा कर लीजिए, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, कभी जानना नहीं पड़ेगा ये कितने। 3 नंबर का सीधी सी बात है, 60 शब्दों के आसपास में होना चाहिए, एक नीति है। तो अब देखेंगे स्पर्श में 3 तरह के सवाल आएंगे, तीनों के तीनों का उचित एक ही विभाजन है। पहले गद्य भाग से, गद्य भाग में निर्धारित पाठ जितने भी निर्धारित हैं इनमें से 3 सवाल पूछे जाएंगे, 2 का उत्तर देना होगा और 3 3 नंबर के होंगे। 6 नंबर के ये वर्णनात्मक प्रश्न होंगे गद्यांश में से 60 60 शब्दों के। ऐसे पद्यांश में भी यही होगा, 3 पूछे जाएंगे, 2 का उत्तर देना होगा, 60 शब्दों में देना होगा, 6 नंबर इसके भी रखे गए हैं। और संचयन में भी बिल्कुल यही पॉलिसी है कि 3 सवाल पूछे जाएंगे, 2 का उत्तर देना होगा और 60 शब्दों में उत्तर देना होगा, 6 नंबर इसके हैं। कुल मिलाकर 18 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे दोनों पुस्तकों में। 9वीं में भी यही है, 10वीं में भी यही है, बिल्कुल सीधा सपाट, आप चाहें तो इसको बड़े ध्यान से समझ सकते हैं। यह हुआ पाठ्य पुस्तकों और व्याकरण तक का अंश हो चुका। अब हम बात कर रहे थे कि लेखन कार्य, जिसको रचनात्मक लेखन कहते हैं। रचनात्मक लेखन 9वीं में अलग है, 10वीं में अलग है, दोनों में क्या क्या है, एक एक पर विचार करेंगे। इससे पहले जरा मैं ये बात कर लें कि आपकी जो पाठ्य पुस्तकें थी, इन पाठ्य पुस्तकों में कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं। अगर आप पाठ्य पुस्तक को सामने ले आए, पाठ्य पुस्तक वाला पन्ना, स्पर्श में पद्यांश में से कौन से चैप्टर अब हटा दिए गए हैं, जरा उस पृष्ठ को खोलिए। ये ठीक है, बिल्कुल 9वीं में से जो लाल रंग के पिंक कलर के हैं ये हटा दिए गए हैं। धर्म की आड़ हटा दिया गया, नजीर अकबराबादी आदमी नामा हटा दिया गया, सियाराम शरण गुप्त की कविता एक फूल की चाह अब कोर्स में इस वर्ष नहीं है। बात पूरी होगी, बाकी पिछले साल थे कि नहीं थे, बाकी सारे चैप्टर 10 चैप्टर जो हैं वे आपके पाठ्यक्रम में हैं। देखिए 6 तक गद्य था, 1 हटा दिया, 5 रह गए और 5 ही पद्यांश में रह गए। अब चलिए 9वीं के संचयन में, संचयन में ये 2 चैप्टर हैं ये हटा दिए गए हैं, हामिद खां और दिए जल उठे, ये 9वीं के अंदर ये 5 चैप्टर हटाए गए। चलिए आगे चलते हैं, हम 10वीं में आते हैं। 10वीं में पद्यांश में से 2 चैप्टर हटा दिए गए, 1 बिहारी और 1 महादेवी वर्मा, इनको हटा दिया गया है और बाकी सब के सब चैप्टर आपके पाठ्यक्रम में एज इट इज हैं। ऐसे गद्यांश में गिरगिट, अंतोन चेखव का गिरगिट, ये पाठ्यक्रम में अब नहीं रहा है इस बार से। और संचयन पुस्तक में भी एक परिवर्तन हुआ है, 10वीं में कोई परिवर्तन नहीं है, 10वीं में संचयन बिल्कुल जैसी थी वैसी की वैसी, उसके सारे चैप्टर एज इट इज इंटैक्ट है। ये पाठ्यक्रम के बारे में मैं पूरी बात कर चुका हूँ दोनों पुस्तकों की। तो अब हम चलते हैं लेखन की तरफ, यानी रचनात्मक लेखन, ये वही का वही है, संचयन में कोई परिवर्तन नहीं। अब आइए लेखन कार्य क्या मतलब रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन के जो अंक हैं वे रखे गए हैं 20। अनौपचारिक पत्र लेखन, ये अनौपचारिक पत्र लेखन में सर्वितना ध्यान रखना, अनौपचारिक वे होते हैं जो मामा चाचा ताऊ ये सब अपने पारिवारिक मित्रों को, ये अनौपचारिक पत्र लेखन होते हैं।
और अनुच्छेद लेखन बिल्कुल वैसा है जैसा होता है, इस पर मुझे कुछ कहना नहीं है। संवाद लेखन में एक परिवर्तन कर दिया गया और चित्र वर्णन, इन दोनों में एक विशेष परिवर्तन है जिसका मैं अलग से जब बात करूंगा तो उसकी बात करेंगे। एक प्रश्न आया, नौवीं में धूल पाठ तो पिछले साल था, इस साल भी होगा। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर ये है कि पाठ जो पुस्तक है वो शायद नई छपी है। नई छपी पुस्तक में मेरे ख्याल से एक बार जरा नौवीं की किताब दोबारा से निकालिए, सामने रखिए, नौवीं की जो, हाँ एक सेकंड, नौवीं की और बैक जाइए, नौवीं, हाँ बस नौवीं में देखिए, इसमें धूल है क्या? इसमें धूल है ही नहीं, धूल को पहले ही धूल चटा दी गई है। वो ऐसी धूल चटाई है कि वो पाठ्य पुस्तक से ही हटा दी गई है। धूल इस समय आपकी पाठ्य पुस्तक में जब है ही नहीं तो फिर आप कहां से उसको लाएंगे। पाठ्य पुस्तक में जो परिवर्तन हो गया, चैप्टर रिमूव ही कर दिया गया, इसलिए लेटेस्ट पाठ्य पुस्तक, यदि आपने मेरी बात सुन ली और पुरानी आज से 10 साल पहले वाली किताब आपने उठा ली तब दिक्कत हो जाएगी। लेटेस्ट पुस्तक को आप चाहे तो गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी लेटेस्ट पुस्तक क्या है, उसमें से ये चैप्टर हटाने हैं। तो इस धूल पर कंफ्यूजन ना हो, वह अब प्रश्न जो है वाकई धूल में ही चला गया है, तो ये स्पष्टता हो गई। प्रश्न पूछा, धन्यवाद, औरों को भी स्पष्ट हो गया होगा। हम बात कर रहे थे अब नौवीं के पाठ्यक्रम की तरफ, बीच में भी सवाल आएंगे, मैं कोशिश करूंगा बाद में ही ले लें सवाल, आप प्रश्न को बनाए रखिएगा अपने बीच में, वरना वहां से फोकस हट जाता है। संवाद लेखन मैंने जैसे कहा परिवर्तन हो गया है, मैं इस पर चर्चा करूंगा, और चित्र वर्णन भी मैंने जैसे पहले बताया 30 और 40 शब्द में लिखना थोड़ा आसान होता है, लेकिन जब 100 शब्दों में लिखना पड़ जाए तो आप समझ लें किताब को लेकर चित्र को लेकर 100 शब्द लिखना आसान भी नहीं होता है, इसमें रचनात्मकता और मौलिकता की जरूरत होती है, तो इस पर बाद में बात करेंगे। अभी दसवीं के रचनात्मक लेखन की तरफ चलते हैं। दसवीं के रचनात्मक लेखन में औपचारिक पत्र लेखन है, ये औपचारिक पत्र लेखन और नीचे औपचारिक ईमेल लेखन, अब ध्यान कर ले दोनों एक ही हैं, आप कंफ्यूज ना हो, दिखने में दो दिख रहे हैं वास्तव में एक हैं। जब मैं बात करूंगा तो 5 ही मिनट में मैं ये टॉपिक समाप्त कर दूंगा, तभी बात करूंगा जब इसका नंबर आएगा। अनुच्छेद लेखन पर मुझे कुछ नहीं कहना, सूचना और विज्ञापन लेखन पर भी मुझे आज कुछ नहीं कहना। लघु कथा लेखन में एक परिवर्तन हुआ है, इस पर मैं बात करूंगा। यह है पूरे पाठ्यक्रम का एक शॉर्ट में जो विवरण मैंने आपको दिया है, आपके मन में किसी भी तरह का कोई भ्रम कंफ्यूजन हो आप अब रख सकते हैं, वरना मैं अगले टॉपिक पर आता हूं क्योंकि समय बहुत सीमित है। किसी का कोई कंफ्यूजन? पूनम जी चला जाए आगे। जी हाँ सर, नो डाउट। थोड़ा स्पीड तेज हो जाती है तो मुझे इसलिए पूछना पड़ता है, कभी रह गया तो आप थोड़ा समय ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करना चाहेंगे कि जो नए टॉपिक्स आए हैं, जो अध्यापक को मचते हैं कि हम इसका क्या करेंगे, तो इस बार एक नया टॉपिक आया, वह है, सौभाग्य से वो नया जितना दिखता है उसमें इतना कुछ है नहीं, मैं उसको सिर्फ 3 मिनट में भी समाप्त कर सकता हूं, वह है ईमेल लेखन। ईमेल लेखन में और दसवीं में आया है औपचारिक फॉर्मल लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स हैं। ऑफिशियल लेटर राइटिंग मैं, किसी ने पूछा निबंध लेखन पर, यह प्रश्न बाद में लूंगा, ये निबंध लेखन जब कोर्स में ही नहीं है तो इस पर विचार तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता ना, हम तो सीधे केवल नौवीं और दसवीं के पाठ्यक्रम में क्या इस पर विचार कर रहे हैं, इसके बाहर विचार। कुछ ए कोर्स वाले टीचर भी हैं, आप एक बार ये और क्लियर कर दीजिए कि टुडेज वेबिनार इज फॉर कोर्स बी। जी ठीक ठीक बिल्कुल, हाँ अच्छा, अगर ये बात क्लियर नहीं है तो मैं एक बार स्पष्ट आपके सामने रख लूं, CBSE में नौवीं और दसवीं का जो बी कोर्स है, आज ये जो सेमिनार या वेबिनार चल रहा है ये बी कोर्स पर चल रहा है, कुछ ही दिनों में ए कोर्स पर फिर से होने वाला है। जब ए कोर्स पर बात होगी तो हम ए कोर्स की बात करेंगे, तब निबंध होगा तो निबंध की भी चर्चा होगी, आज केवल बी कोर्स के पाठ्यक्रम में कुछ जो टॉपिक्स हैं, जो हैं उन पर बात कर सकते हैं, जो होने चाहिए वो हमारा विषय ही नहीं है, उसमें तो समय हमारा जाएगा, इसलिए जो भी प्रश्न हो आपके नौवीं और दसवीं के पाठ्यक्रम से संबंधित होने चाहिए। जी अब आगे चलते हैं, मैं बात कर रहा था औपचारिक पत्र लेखन और औपचारिक ईमेल लेखन। ईमेल लेखन आज की नई विधा है, इस कारण से बच्चों को इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इस विषय रखा गया है।
मैं यदि इसे समाप्त करना चाहूं तो शुरू करने से पहले समाप्त कर सकता हूं कि औपचारिक पत्र लेखन और औपचारिक ईमेल लेखन में केवल एक ही फर्क है, एक ही अंतर है। वह यह अंतर है कि आपको ऊपर फॉर्म में, फॉर्म मैंने आपने अपना पता जो देना होता है, अपना पता नहीं देना, उसकी बजाय आपको अपना ईमेल एड्रेस लिखना है कि मैं कौन लिख रहा, ईमेल एड्रेस देना है। सभी चक्करों से गए जी, आप भोपाल से लिख रहे हैं, देहरादून से लिख रहे हैं, फरीदाबाद से लिख रहे हैं, लिखना ही नहीं। और पहले पत्र के द्वारा ये पता चल जाता था पेपर कहाँ से आए, अब पता नहीं चलेगा। कारण क्या कि ईमेल भरना है, और ईमेल भी अगर कोई समझदार परीक्षक होगा वह बच्चे पर नहीं छोड़ेगा, वो अपना लिख देगा, एक्चुअल लिख देगा। एक्चुअल लिखवाने की बजाय यदि आप परीक्षक होते हैं, आप एक कल्पित ईमेल एड्रेस दीजिए कि आप मुकेश, उसका ईमेल एड्रेस लिखिए आप mukesh223@gmail.com वो लिख दीजिए, की ओर से किसको चिट्ठी लिखी है, उसमें भी उनके प्रधानाचार्य या प्राचार्य ईमेल एड्रेस लिखिए। ईमेल एड्रेस आपको दोनों फ्रॉम और टू दोनों के ईमेल एड्रेस परीक्षक को प्रश्न पत्र में ही दे देने चाहिए, यदि आप नहीं चाहते कि किसी भी तरह से आपके बच्चे के एड्रेस का पता चले, शहर का पता चले कि इस शहर का लड़का लिख रहा है, पेपर जो है आज हमारे पास बेंगलोर के आए हुए हैं, ये पता ही ना चले। इसके लिए अच्छी बात है कि परीक्षक को दोनों फ्रॉम और टू, प्राप्तकर्ता और भेजने वाला, इन दोनों के ही ईमेल एड्रेस दे देने चाहिए। अगर नहीं देते तो बस बच्चों को इतना आपको समझाना होगा, वैसे तो आज के जमाने में बच्चे हमसे बढ़कर हैं इस मामले में, वो अपना ईमेल एड्रेस रखते होंगे, अपना ईमेल एड्रेस, और अब परीक्षा में उनको कौन सा ईमेल एड्रेस प्रयोग करना है यह अगर आप चाहें तो उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं कि अपना वास्तविक लिखने की बजाय कोई एक कल्पित भी डाल सकते हैं, और जिनको भेज रहे हैं उनका भी ऐसा ईमेल एड्रेस याद करना है, फॉर्म में अपना ईमेल और प्राप्तकर्ता में जिसको आप भेज रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस, बाकी जैसे औपचारिक पत्र लिखते हैं बिल्कुल वैसे की वैसे लिखना, कोई परिवर्तन है ही नहीं। यदि ये केवल औपचारिक पत्र लेखन होता तो आज मैं ये विषय बिल्कुल ना लेता, क्योंकि ये बात पुरानी हो चुकी, इस पर कोई नया प्रश्न नहीं है। और आज क्योंकि ईमेल लेखन आ गया, उसमें केवल यही परिवर्तन और कोई परिवर्तन है ही नहीं, इसलिए मैंने कहा ना मैं 3 मिनट में इस विषय को समाप्त कर सकता हूं। आपके यदि कोई प्रश्न हो औपचारिक ईमेल लेखन के बारे में तो आप कर सकते हैं, वरना मैं समझता हूं इसमें बहुत कुछ जैसा लगता है नया टॉपिक, ऐसा कुछ नया है नहीं। किसी का कोई प्रश्न हो शायद बता जी, ये कंफ्यूजन होगा कि ऊपर हमने ईमेल लिख दिया है तो एंडिंग में नीचे क्या लिखना है, प्लीज इसको क्लियर कर दीजिए। जी जी जी, एक बार दोबारा से क्या कहा आपने? ऊपर ईमेल एड्रेस लिखा, अपना विचार खत्म हो गया तो एंडिंग में नीचे लास्ट में क्या आएगा पत्र में, एक बार ये। उसमें नीचे देखिए दोनों पते ऊपर जा चुके हैं, नीचे आपने जैसे अपना लिखते हैं भवदीय लिखते हैं कि नहीं, माना प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो भवदीय नितिन चोपड़ा रोल नंबर इतना और ये कक्षा, वो लिखनी आपने, क्योंकि पत्र किसकी ओर से जा रहा है उसको अपना नाम इत्यादि लिखना ही लिखना है, वही लिखना ही लिखना। ये बात आ रही है मंजू गुप्ता जी की ओर से, होगा सर मैं उसका फॉर्मेट औपचारिक खुलवा के दिखवा देते हैं जी। आप ऐसा करें औपचारिक पत्र लेखन वाला पृष्ठ खोल दीजिए एक बार, औपचारिक ईमेल वाला पत्र, हाँ ये औपचारिक ईमेल वाला खोल दीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये कंफ्यूजन अभी नीचे औपचारिक ईमेल है रोहतास जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये अच्छा है। मैं सोच रहा था इससे काम करके जो बाकी जो है वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है उसमें चेंज है उस पर ध्यान दूं, आप जरा एक बार इसको भी देख लें। देखिए ये सबसे पहले मैंने इसमें लिखा पत्र लेखन और ई पत्र लेखन में अंतर क्या है, देखिए थोड़ा सा ऊपर कीजिए थोड़ा सा, ये जो मैंने आपको बता दिया कि ये कागज पर लेखनी द्वारा, ये इंटरनेट में कीबोर्ड द्वारा लिखा जाएगा। पहले पता लिखते थे मल्लिका 230 गांधीनगर बिलासपुर, अब क्या करेंगे इसकी जगह आप फ्रॉम वाले कॉलम में लिखेंगे मल्लिका 84@gmail.com, बस आपने
पता अपना लिखा नहीं, फिर सेवा में इधर होता तो इधर टू आएगा, कारण है कि वहाँ टू ही आएगा, वहाँ सेवा में नहीं आने वाला, क्योंकि आप इंटरनेट में अंग्रेजी चल रही है, अभी हिंदी नहीं आई, इसलिए टू वाली जगह पर इसमें पत्र पाने वाले का आपको ईमेल एड्रेस देना है। जैसे इसमें दिया मैंने अपना दे दिया ashokbatra.com, ये भी मैंने भी गलत दे रखा है, जानबूझकर अपने वाला वो नहीं दिया, थोड़ा सा ऊपर कीजिए भैया। हाँ देखिए, ये इसमें मुझे टू में जो अधिकारी है उस अधिकारी का ईमेल एड्रेस देना है, जिस ऑफिस में आपकी चिट्ठी जा रही है उसका एक ईमेल एड्रेस है, ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है, वो जाएगा। बस अपने ये अग्निशमन अधिकारी मुख्य बाजार भोपाल कुछ लिखना ही नहीं है, क्योंकि इस ईमेल एड्रेस में ही पता है कि ये ऑफिस कहाँ का है, इसलिए सारे झंझट से हम पता लिखने वाली गलतियां भी सब समाप्त हो गई। आगे चलिए, विषय लिखा करते थे, विषय दोनों बिल्कुल सेम है, देखिए आप वहां सब्जेक्ट लिखा होगा, इधर पहले लिखते थे आप 2 दिन का अवकाश, बिजली ना होने की परेशानी, मोहल्ले में गंदगी, पार्क बनवाने, ऐसा करते थे आप, यही का यही आप क्या करेंगे, इंटरनेट का माध्यम अंग्रेजी में होने के कारण विषय की जगह सब्जेक्ट का कॉलम होता है, इसमें हमें हिंदी भाषा में ठीक वही विषय लिखना होता है जैसे कि सामान्य पत्र लेखन में होता है, जैसे वही जो बाई ओर मैंने दे रखे हैं वही मैंने यहाँ लिख दिए हैं, यानी आपको बिल्कुल इसी तरह से ही जो है वो लिखा होगा। चलिए अगला पेज निकालिए। अब आइए कंपोज मेल। कंपोज मेल का मतलब है आप अपनी सामग्री लिखिए, जैसे आप विषय के बाद क्या लिखते हैं, संबोधन करते हैं, प्राचार्य महोदय, आदरणीय प्राचार्य महोदय, इसमें भी आप वही लिखेंगे, आदरणीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय चिकित्सा अधिकारी, प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कंपनी सचिव रिलायंस इंडस्ट्री, जो भी आपने एड्रेस देना है, एड्रेस लिखना है आपने, ध्यान करें, एड्रेस नहीं सॉरी संबोधन, संबोधन है, संबोधन के बाद विषय लिखेंगे, विषय का लेखन। चलिए आगे, विषय का मतलब जो बात आप कह रहे हैं, ये ध्यान करें आप, हाथ से लिखे हुए पत्र में तो फिर भी आप हो सकता है एक आधा वाक्य ऐसा लिख जाते हो, लेकिन ईमेल में तो बिल्कुल टू द पॉइंट, जैसे कॉमर्शियल लेटर होते हैं ना, कॉमर्शियल लेटर में ये नहीं लिखना होता आशा है आप आनंद होंगे, मैं भी खुश हूं, प्रसन्न हूं, नहीं लिखना होता, आप अपना फ्रिज की शिकायत दे रहे हैं, आप ये थोड़ी लिखे और भाई साहब दुकानदार महोदय कैसे हैं आप, ठीक होंगे, ये कोई रिश्तेदार थोड़े हैं, आपको औपचारिक पत्र में सीधा लिखना होता है कि मैंने आपसे इस तारीख को एक फ्रिज लिया था, खराब हो गया, इसको ठीक करवाएं, जैसे आपको शिकायत ऐसे करनी होती है, और कोई राम रमोवल नहीं करनी होती, इसी तरह से औपचारिक पत्र में आपको सीधे सीधे इतना ही लिखना है कि अभिवादन की आवश्यकता नहीं होती, स्पष्ट और कम से कम शब्दों में बात रखनी होती, जैसे निवेदन है कि मैं अति आवश्यक कार्य से अपने नगर से बाहर हूं, अतः आज दिनांक 23 सितंबर 2023 को विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता, कृपया मुझे आज का अवकाश प्रदान करें। देखिए इसमें कुछ भी निवेदन शब्द तो किया है, अगर आप निवेदन भी ना लिखें और प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल नाराज हो सकता है, ध्यान कर लेना, इतना भी संक्षेप ना हो, आप निवेदन है कि हटा दें और आप लिखें मैं अति आवश्यक कार्य से नगर से बाहर हूं, आप ध्यान करें कि जो सामने अफसर है जिसके सामने आप पत्र लिखने जा रहे हैं उसमें विनय समाप्त नहीं होनी चाहिए, विनय तो अपनी वही रहनी चाहिए, तो विनय के लिए तो एक दो शब्द हैं निवेदन इत्यादि ये तो रहेगा, परंतु और अपनी घटना बताने लगना कि नगर से बाहर हूं तो किस लिए हूं, शादी है, शादी भी मेरी बुआ की है, ये नहीं लिखना, अत्यंत संक्षेप में काम की बात लिखना और विषय समाप्त कर देना यह आवश्यक होना चाहिए। हाँ 100 शब्द ये आया है कि 100 शब्द हैं, 100 शब्द का विस्तार तो देना पड़ेगा, ये बात आपकी सही है, 100 शब्दों का विस्तार उसमें होना चाहिए, और अगर कहीं जगह ऐसा लगता है कि विषय हमारा बहुत ही छोटा है तो भी विस्तार अगर देना है तो किस चीज पर देना है ये ध्यान कर लेना, अनावश्यक यदि आप विस्तार देते हैं तो, जैसे आपको ध्यान में नारा लेखन क्यों समाप्त हो गया, आपके कोर्स में नहीं रहा, क्यों समाप्त हुआ, दे दिया 25 से 30 शब्दों में नारा लिखिए, किसी की हिम्मत लिख कर दिखा दे, नारा 5 शब्द 6 शब्द 8 शब्द में खत्म हो जाता है। कई बार परीक्षक इस तरह की, मुझे लगता है इसमें अधिक से अधिक 100 शब्द होने चाहिए, इसमें 100 शब्द की अंतिम सीमा होनी चाहिए, 100 शब्द की न्यूनतम सीमा नहीं होनी चाहिए। अब बताइए यदि आपने इतनी बात कहनी है कि आज मैं छुट्टी लेना चाहता हूं, इसमें आप 100 शब्द बढ़ाने के लिए इसमें क्या बढ़ाएंगे आप, कृपया मुझे आज का अवकाश प्रदान करें, धन्यवाद सहित सम्मान, आपने ये लिख दिया, ये हो सकता है मुश्किल से 40 से 50 शब्द बनते हो ये इस वाले पत्र में,
वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब उसका विषय हो ही इतना छोटा, आप 100 शब्दों में उसको खामखा लंबा क्यों खींचेंगे? मुझे ऐसा लगता है हम सब अध्यापक हैं, मेरा यहाँ काम आपके सामने केवल मक्खी पर मक्खी मारना नहीं है, सोचने के लिए आपको विवश करना भी है। आप और हम भी सोचे, जब हम परीक्षक होते हैं तो उस विषय में अगर शब्दों की सीमा थोड़ी इधर उधर होती है तो हमें एक तो ये ध्यान रखना चाहिए, बच्चे को उतनी छूट देनी चाहिए। इसलिए 100 शब्द की अधिकतम सीमा माने आप, इतने में अपना पत्र पूरा होना चाहिए। अभी एक किसी ने प्रश्न पूछा, वो तो लेटर राइटिंग हो जाएगी। मैं अभी आपसे कहना चाहता हूं, औपचारिक पत्र लेखन की विषय सामग्री में और सामान्य पत्र में कोई फर्क है ही नहीं। आप कोई हो तो मुझे समझा जरूर दीजिएगा, मैं समझना चाहूंगा। अगर किसी को लगता फर्क है तो मुझे आज जरा थोड़ा सा इस पर चर्चा चाहे तो कर सकते हैं, नया विषय शुरू हो जाएगा लेकिन बहुत काम का होगा। ऐसी किसी के भी मन में बात आती है, मेरा टेलीफोन हमेशा खुला रहता है, नए विषय पर आप 24 के 24 घंटे हम बात कर सकते हैं, इस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मैं जितना समझा सार रूप में आपसे बता दिया था कि औपचारिक ईमेल पत्र लेखन में केवल एड्रेसेस फ्रॉम और टू ये और तरह करेंगे, बाकी सब कुछ वैसा रहने वाला है जैसा कि औपचारिक पत्र लेखन में होता है। चलिए अब हम एक दूसरे ये आगे है बत्रा जी, एक मिनट, अभी एक क्वेश्चन आया था कि क्या ईमेल बॉक्स में होगा या नहीं। मेरे विचार से तो दोनों तरह से नंबर तो नहीं कटेंगे, बच्चा ओपन लिखे या बॉक्स बनाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बॉक्स यदि आप बना देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बनाते हैं तो भी इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। यस सर। अच्छा सवाल पूछा। देखिए हम सब लोग अध्यापक, मुझे याद है मेरे समय में ये होता था, कोमा लगाया नहीं लगाया इसके इतने नंबर काट लेना, बाईं और दाईं ओर के भी नंबर काटते थे। परंतु ध्यान करें, ये फिर भी फैशन है और कुछ नहीं है। अगर कॉलम नहीं बना और वो नहीं बनाता तो इसके आप अंक ना काटें बिल्कुल भी, बना देता तो ठीक, जैसे विज्ञापन में होता है। आपकी जानकारी के लिए विज्ञापन पर बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। आप CBSE का जो सिलेबस आया है, सिलेबस से पहले 5 पेज और भी आए होते हैं, उन 5 पेजेज में पढ़ लेना, हर एक में दे रखा है विज्ञापन लेखन में क्या उम्मीद करते हैं। वो स्पष्ट लिखा है विज्ञापन लेखन में एक बच्चे की परीक्षा शब्दों की होती है, चित्र बनाए या ना बनाए, बना दे तो ठीक, नहीं बनाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण आप भाषा के अध्यापक है, आपको ड्राइंग टीचर नहीं है, आप डिजाइनर नहीं है, आप बच्चे की डिजाइनिंग की हम नहीं ले रहे परीक्षा। ऐसे ही यहां पर भी मैं कहूंगा कि कॉलम बनाए कि नहीं बनाए, इस बात को आप फॉरगो करें, इस बात को आप छोड़ें। उसने लिख दिया है फ्रॉम अंग्रेजी में लिखे, ध्यान करें फ्रॉम अंग्रेजी में जरूर लिखे, वहां टू की जगह सेवा में ना लिखे, टू ही लिखे, क्योंकि आप जब लिखने जा रहे हैं या तो अपने लैपटॉप पर लिखेंगे या अपने मोबाइल पर, दो ही आपके पास माध्यम है। यदि आपने ईमेल लिखना है, अगर मोबाइल पर लिखेंगे तो 4 कॉलम आते हैं, लैपटॉप पर लिखते हैं तो 2 कॉलम आते हैं, तो आप उन्हीं 2 कॉलम्स का यूज करना है बस, फ्रॉम और टू का, और कोई कॉलम आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अगर कोई फाइल जोड़ने की है, फाइल दरअसल आपके यहाँ आएगी ही नहीं, इसलिए इसको छोड़ दिया जाए फाइल वाले प्रश्न को। ये अति विस्तृत यानी विस्तारित बात है, इस विषय को हम चाहें तो छोड़ सकते हैं। मैं समझता हूं कि आपकी जो जिज्ञासाएं इससे संबंधित थी मूलतः, वे इसमें आ गई। मेरे पास 4 विषय और इम्पोर्टेंट हैं, यदि आप कहें तो उस पर आप लोग कितना भी विचार करें, दो दो बातें मैं हो सकता जोड़ सकूं, इस कारण से मैं उन विषयों पर आना चाहूंगा। समय जिस ढंग से भागा जा रहा है, मैं दूसरे विषय पर आता हूं। जरा अगला विषय निकालिए, आज हमने जिस पर बात करनी है इसको छोड़ दीजिए, लघु कथा पर बात कर लेते पहले। पिछले साल लघु कथा पर मेरे 2 सेमिनार हुए, जिसमें पूरे देश से बहुत अध्यापक आए और उन्होंने उस सारे वक्तव्य का स्वागत भी किया। और उस समय मैं कह सकता था, बाजार में जितने भी किताबें थी मैंने उस सारी किताबों को पढ़ा, तो मुझे लगा कि सच में जो CBSE चाहता वो उसको समझे ही नहीं थे, और वो मुझे तब भी लगता था होगा कैसे, यही हुआ, अगले साल बदल दिया गया। मुझे तब लग रहा था बहुत कठिनाई आएगी अध्यापक को,
पर देखिए तो परिवर्तन हो गया। क्या था लघु कथा में पिछली बार ये दिया था कि आपको परीक्षा में कहानी शुरू कर दो वाक्यों में शुरू कर दी जाएगी। उस रात मैं सड़क पर जा ही रहा था कि बस आगे छोड़ दी जाएगी, शुरू कीजिए आप कहानी। ऐसा था, कहानी को स्टार्ट करके छोड़ देना था और आगे विद्यार्थी को कहानी आगे बढ़ानी थी। ये कठिन काम था, मुझे तब भी लग रहा था कठिन काम था। तो ये अभी प्रश्न पूछ रहा है कि ईमेल पर टाइप, जो हिंदी में टाइप अभी स्वीकार नहीं है, एक ध्यान करें आप। आपने ईमेल पर एक प्रश्न आया जरा बाद में आया है कि इंटरनेट पर अभी हिंदी नहीं आई है, ये सवाल पूछा है। मैं केवल इनका उतना ही उत्तर दूंगा जितना की अपेक्षित है। आपको लिखना है, टाइप नहीं करनी है। आप परीक्षा में पेन होगा आपके हाथ में, आपने पेन से पेपर में लिखना, वहां को टाइप नहीं करना है आप। इसको छोड़ दीजिए सवाल को, वरना मेरा फिर समय इसमें लगेगा। अभी लघु कथा पर आना चाह रहा हूं। इस बार लघु कथा में यह कह दिया गया है कि आपके सामने टॉपिक आएगा, शीर्षक, एक शीर्षक दिया जाएगा। इस शीर्षक के आधार पर कहानी लिखिए 100 शब्दों में, या कोई स्थिति दी जाएगी, कोई स्थिति दी जाएगी, या शीर्षक दिया जाएगा, या विषय दिया जाएगा। विषय कैसे दिया जा सकता है? सद्भावना, माता पिता के प्रति प्रेम, श्रद्धा, बच्चों के प्रति दया, या इस तरह का पर्यावरण प्रदूषण, या प्लास्टिक का प्रयोग छोड़ें। पिछली बार लघु कथा मैंने विषय लिया था, उसको छोड़ देता हूं। अब क्योंकि ये कह दिया गया है कि कोई शीर्षक आएगा या कोई स्थिति आएगी, तो शीर्षक को देखकर लिखेंगे। अगर सद्भावना आ गया, अब पहले तो कम से कम ये तो था कि मैं पार्क में जा रहा था कि देखा एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी के सहारे चल रहा है। अब आप चाहे तो सद्भावना में बदलने के लिए उसको गिरता हुआ दिखा सकते हैं, फिर आपने जाकर उनको उठाया हो, अस्पताल ले गए हो, या आपने देखा कोई दूसरा व्यक्ति गया और उनको उठाया और आपके मन में उसके प्रति श्रद्धा आई हो, ऐसी कोई बात हो सकती है अगर सद्भावना शीर्षक। लेकिन बड़ा काल्पनिक हो गया है। पहले कम से कम जो कहानी शुरू कर दी जाती थी, डायरेक्शन तो दे दी जाती थी, लो चलो शुरुआत कर दी है। अब तो कोई डायरेक्शन नहीं है। मान लीजिए ऐसा विषय आ गया दया, तो अब आपको दया की कोई कहानी उसी समय सोचनी पड़ेगी। ये ऐसा हो गया जैसे निबंधों के टॉपिक होते हैं। टॉपिक अगर पहले से आप 30-40 निबंधों के बारे में बच्चा सोच कर जाता है, ऐसे आपको विभिन्न विषय दिए जा सकते हैं भावनात्मक, जिस पर कौन सी घटना आपको सुनानी है ये आप सोच कर जाए। कठिन काम है ये, इस पर पूरा एक सेमिनार अगर होगा तब तो मैं न्याय करूंगा। आज तो मैं केवल शीर्षक शीर्षक बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा। देखिए, मैंने 15 कहानियां दी थी इसमें। लघु कहानी के बारे में इतनी बात जरूर कही थी, लघु कथा है ये, यानी इसका मतलब लघु कहानी। लघु कहानी का मतलब है इसमें कथा लंबी नहीं होती, केवल आधे ही पृष्ठ में ये लघु कथा समाप्त हो जाती है। इसका अंत जो है बहुत बहुत तीव्र, बहुत झटका देने वाला होता है। लघु कथा में झटका देना, संवेदित करना, झंकृत करना, चोट पहुंचाना या आश्चर्यचकित कर देना, यह तत्व आखिर में ऐसा तत्व होना चाहिए कि व्यक्ति सोचता रह जाए, उसकी चेतना को झंझना दिया हो। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, जी मेरा कंधा जो है ना वो लॉक हो गया है, तो डॉक्टर कई बार कहता है मैंने जोर से उसको चोट की तो वो जो ज्वाइंट थे उसमें थोड़ी सी लहर उठी। इसी तरह से हमारा जो चित्त है, हमारा, हम जो आज इस सभ्यता में कुछ चीजों को हमने खो दिया है, तो ये लघु कथा क्या करती है, उसमें चोट करती है। अरे तुम ऐसे ऐसे आदमी हो गए हो क्या? वास्तव में लघु कथा एक तरह से लघु चोट होती है, या अनुभूति का या किसी दृश्य का ऐसा रोमांचक अनुभव होता है लघु कथा में। इसलिए उसमें तत्व तो चाहे 6 के 6 होते हैं, परंतु कहानी का विस्तार बहुत छोटा। संवाद जरूर होने चाहिए लेकिन बहुत छोटे, ऐसे छोटे संवाद होने चाहिए। मैं आपको एक दिखाना चाहता हूं, थोड़ा सा आगे कीजिए, संवाद वाला जरा निकालिए, ये लीजिए संवाद। मान लीजिए संवाद कैसे होने चाहिए, कितने छोटे, तुम यहां क्यों, बुरा लगा, नहीं नहीं घर है तुम्हारा, पर कोई माने तो। अब देखिए संवाद कितने छोटे, इससे छोटे नहीं हो सकते। लघु कथा क्योंकि है बहुत छोटी, उसके संवाद होंगे जरूर, बिना संवाद के किसी कहानी में जान नहीं आती है। संवाद हो परंतु वे बहुत छोटे होने चाहिए।
ये तो हो गया लघु कथा के बारे में, परंतु जो परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन आपको समझने की बात है। परिवर्तन ये है, मैंने अपनी वही लघु कथाएं जो पिछली बार अपने इस पाठ्यक्रम में दी थी, जरा एक बार उसकी ओर चलता हूँ, थोड़ा सा आगे लघु कथाएं निकाली आप, मेरी पहली लघु कथा पर आइए। चलिए, ये मैंने तरीके बता रखे थे, पहली लघु कथा इससे पहले वाली देखिए, इससे पहले ये देखिए, ये पिछली बार दी थी कि आपके कोर्स में या आपकी परीक्षा में ऐसे आएगा कि आंधी और तूफान, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, मैंने सुना कि कहीं दूर से कुत्ते के रोने की आवाज आ रही है, मुझे कुछ अंदेशा हुआ, छोड़ दिया जाएगा, अब आपको कहा कहानी लिखिए। ये कहानी स्टार्ट कर दी गई थी, आपको पूरा करना था, आप अपनी कल्पना शक्ति से पूरा करते। अब इसकी जगह यही की यही कहानी लिखी है तो इस पर इसका शीर्षक क्या आएगा? मैंने कहा अगर मुझे इसी को रहने दूं इस किताब में, इसका शीर्षक क्या रखूं? आप इसको पढ़ना कहानी को। इस कहानी में मैंने ऐसा लिखा था कि अंदेशा यह हुआ, कुत्ता रो रहा है, लगा कि कुछ हो गया है। मैंने साथ खड़े गोताखोर को बुलाया, कहा यार देखना ये कुत्ता इस तरह से क्यों लहरों में भाग रहा है। उसने कहा अच्छा अभी देखता हूँ। वह गया, थोड़ी देर के अंदर अपनी नाव के अंदर एक लाश लेकर आया, लाश नहीं एक जीवित व्यक्ति को लेकर आया। बोले आपने बाबूजी ठीक कहा था, इसका मालिक डूब रहा था इसीलिए ये समुद्र के अंदर भाग रहा था, लेकिन लहरों को लेकर पीछे भाग रहा था। तो अब मैंने संवाद के द्वारा उसको किस तरह से किया वो अलग बात है। उसने कहा ये तो लगता कुत्ता जैसे मानो पिछले जन्म इनका बेटा रहा हो। मैंने कहा बेटा नहीं, बेटे की वजह से तो डूब नहीं जा रहा था, ये कुत्ता ही ठीक है। ये कहानी मैंने दी थी। अब अगर ये कहानी आए परीक्षा में पूछी जाए तो इसका शीर्षक ऐसे आ सकता है, कुत्ता है आदमी नहीं, या शीर्षक आ सकता स्वामी भक्ति, या आ सकता आदमी और कुत्ता, कुत्ता और बेटा। चार टॉपिक्स मैं सुझा रहा हूं, इन चारों में से कोई भी टॉपिक आए तो आप यही कहानी यही लिख सकते हैं। यानी अब क्या होगा, शीर्षक दिया जाएगा और शीर्षक के हिसाब से आपको कहानी की कल्पना करनी होगी। यह पहले से भी थोड़ा सा कठिन काम है। मैंने कहा ना इस टॉपिक के ऊपर बात करते हुए मुझे आपका धैर्य पूर्वक लंबा सुदीर्घ समय चाहिए। कम समय में तो केवल जो परिवर्तन हुआ है मैं उतना परिवर्तन आपके समक्ष रख रहा हूं। ये मेरे यहाँ पर 15 कहानियां लिख रखी हैं, मैं 15 के 15 कहानियों के शीर्षक क्या होने चाहिए वो मैंने लिख लिए हैं। अगर अब मैं इस किताब में जो परिवर्तन करूंगा, वैसे भी सौभाग्य से बताना चाहूंगा हमारी किताब लगभग हर साल तो एक बार रिवाइज होती ही होती है, कई बार 2 साल में 3 बार रिवाइज हो जाती है। जैसी कोर्स बदला हम उसमें परिवर्तन कर देते हैं। जैसे स्वाभिमानी कुत्ता नहीं, स्वाभिमानी कुत्ता की वजह स्वामी भक्त कुत्ता आएगा, इसने कहा स्वामी भक्त आएगा, वो ज्यादा अच्छा होता क्योंकि वो स्वामी भक्ति दिखा रहा है। खैर इस पर मैं बात करेंगे, मैं पूरे की पूरे 15 की 15 जितनी भी कहानियां हैं इनके शीर्षक क्या हो सकते हैं आपके समक्ष रखूंगा। आप सबको जरा ध्यान रखना है, लघु कथा बताते हुए शीर्षकों के आधार पर कैसे कहानी लिखना सिखाया जाए, उसके तरीके भी कुछ हो सकते हैं क्या? उन तरीकों पर मैंने कहा ना इतने कम समय में बात नहीं हो सकती। मैं खुद क्योंकि कहानियां लिखता रहता हूं, इस कारण से उसकी प्रक्रिया क्या होती है और उसका एंड और उसकी फिनिशिंग कैसे होती है। हास्य रस की कविता लिखना बहुत कठिन है, एक शहर में आपको 100 कवि मिल जाएंगे, हास्य कवि मुश्किल से 1 या 2 मिलेंगे। कारण क्या, हास्य और व्यंग लिखना, हास्य लिखना बहुत कठिन होता है, उसके अंत में जब तक बहुत तेज हंसी ठहाका ना निकले चुटकुला बनाना भी मुश्किल है। कई लोग तो चुटकुला सुनाना शुरू करते लोगों को हंसी नहीं आती, क्योंकि चुटकुला सुनाने की भी एक कला है, किस ढंग से उसको प्रेजेंट करना, इसमें आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन होती है। मैं समझता हूँ इसकी और आप जो जानते हैं वे कक्षा में अच्छी तरह से कर पाएंगे। आज के समय में 5 विषय लेने हैं, अभी केवल 2 हुए हैं, अब तीसरे पर चलता हूँ, चित्र वर्णन। चित्र वर्णन ये पहले 30 शब्दों का था, अब थोड़ा सा कीजिए, ये एक चित्र था, एक पहला चित्र दिखाइए, पहला चित्र दिखाइए, हाँ देखिए ये चित्र है, इस चित्र को देखें, इस पर मैंने 30 शब्द क्या लिखे थे। मैंने कल्पना की जैसे ये बेटी डॉक्टर हो गई है, ठीक है, ऐसी कल्पना की, क्योंकि जो रोगी है ना, आप इसकी आंखें देखिए कैसे देख रही है, आप चित्र को पहले देखना पड़ेगा, है तो रोगी परंतु रोगी की आंखों में जो आपको दिखाई दे रहा है वो रोग नहीं दिखाई दे रहा। आप देखिए उसकी आंखों में क्या दिखाई दे रहा है, जो ये देख पाएगा वही तो लिख पाएगा। 100 शब्द लिखने, आप थोड़े नहीं लिखने, क्या लिखेंगे आप,
मैंने पहले 30 शब्द में ये लिखा कि जीवन भर की यही कामना थी मेरी पूज्य माता, आपने मुझे हर कष्ट सहकर पाला, आज मैं आपके कष्ट हरूं, आपकी चिकित्सा करके आपका दुख दर्द दूर हरूं, तेरा तुझको अर्पित माँ मैं संतुष्ट हूँ, आप शीघ्र स्वस्थ हो। मैंने कल्पना की वो बेटी है जो डॉक्टर हो गई है और देखने वाली ऐसे देख रही है जैसे माँ अपनी बेटी को देख रही है, इतना वात्सल्य है उसकी आंखों में, सराहना है। देखिए आप जो मरीज है उसकी आंखों को देखिए। अब 100 शब्द लिखने, ये और भी कठिन है। अब 100 शब्द लिखेंगे कैसे, क्या करेंगे इसके लिए? अच्छा, सवाल यह है कि आप उसमें कहानी लिखेंगे, निबंध लिखेंगे, लेख लिखेंगे, विचार लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कुछ नहीं बता रखा आपको, ऊपर लिखने हैं। चित्र वर्णन है, वर्णन का मतलब वर्णनात्मकता, उसमें विचार जैसे हो सकते हैं। अब मैंने इसके ऊपर कुछ 100 शब्द, इसको 30 को 100 शब्दों में कन्वर्ट किया है, केवल उदाहरण से रख रहा हूं तो शायद आपको ज्यादा ध्यान में। अब आपने चित्र देख लिया, यही भाव मैं मन में धारण करके चला हूं। ऐसा भी हो सकता था कि मैं उसको डॉक्टरी मान लेता, बेटी ना मानता, मेरे ऊपर है ना, मुझे कौन रोकता है। देखिए, विद्यार्थी को कोई रोकने वाला नहीं, उसने चित्र देखा। मुझे याद आता है पूनम जी, आज से 20 साल पहले हमने एक चित्र बनाकर बच्चों को दिया, कहा इस पर कहानी लिखिए, और ध्यान कीजिए 40 बच्चे थे, 41 कहानी आई थी, सारी अलग। चित्र को देखेंगे सबके मन में अलग कल्पना आती, यही सृजनात्मकता है। अब इस कहानी, इस चित्र को देखकर सबके मन में अलग अलग विचार आएंगे। मैंने आपको ये कहा कि मुझे तो ये जो औरत दिखाई दे रही है लेटी हुई, इसकी आंखों में इतनी ममता, इतनी सराहना है, मुझे लगता है जैसे उसकी बेटी हो, तो मैंने कल्पना कर ली इसकी बेटी। अब मैंने इसके ऊपर 100 शब्द क्या लिखे, अब मुझे शब्द बढ़ाने थे। लिखा, ऐसे क्यों देख रही है मुझे माँ, डॉक्टर मैं हूं या तुम, कहकर डॉक्टर बेटी ने रोगी माँ से पूछा। माँ उसे निहारती रही अपलक, बोली कुछ भी नहीं। बेटी का स्टेथोस्कोप वहीं रखा रहा और वह माँ की स्नेह बरसाती आंखों को बस निहार रही थी, जैसे पूछ रही हो, माँ आज इसलिए निहार रही हो ना मुझे क्योंकि मैंने तुम्हारे सपनों को पूरा किया। माँ तुम मुझे इस संसार में लाई, मुझे अपने तन मन से सींचा, यह मैं नहीं तुम ही हो माँ, तुम्हारा ही नया रूप। कैसी लग रही हूं उसे डॉक्टर के वेश में, माँ की स्नेह भरी विस्मय भरी आंखों से आशीर्वाद झरते रहे, और अब भी बेटी को लगता रहा कि मैं माँ का कहाँ उपचार कर रही माँ का कहाँ उपचार कर रही हूं, अब भी ऊर्जा तो माँ ही दे रही है मुझे, धन्य हो माता। मैंने इसके पर ये कल्पना की इस चित्र को देखकर, अभी मेरी कल्पना है, मुझे 100 शब्दों तक जाना था, 100 शब्दों में मुझे इनके बीच में संवाद डालने पड़े, उसके कुछ कहानी बनानी पड़ी। अब देखिए दूसरा एक चित्र देखिए, आप जरा कल्पना से सोचिए, जरा सेकंड पर आइए, ये बहुत अच्छा चित्र है, देखिए। अब इसको देखकर आपके मन में क्या आ सकता है सोचें, मैं इतना समय नहीं है कि हाँ साथी बहुत ठीक कहा आपने, साथी है, लेकिन 3 शब्द हैं, 100 शब्द बोलने हैं, 100 शब्द कैसे खड़े करेंगे? कोई ऐसा भी तो हो सकता है, नीचे ऐसा खड़ा, अरे तू कहाँ भागा जा रहा है, तेरी टांग खींचता हूँ, पकड़ के नीचे ही खींच ले, ऐसा भी कुछ बना सकता है क्या? अरे तू कहाँ भागा जा रहा है, जब मैं नहीं चढ़ रहा तो तेरे को कहाँ चढ़ने दूंगा। आप चाहे तो कोई ऐसा कहानी भी बना सकता है, नीचे वाला पक्का पॉलिटिशियन था, देखा किसी को आगे बढ़ रहा है तो उसको पीछे हटा लिया। अब आप ऐसी कहानी सोच नहीं रहे, कारण क्या कि चित्र दूसरा बोल रहा है, चित्र ये बोल रहा है बॉडी लैंग्वेज से, जैसे ऊपर वाला खुद आगे भागने की बजाय नीचे वाले को कह रहा है आजा आजा तू भी साथ आ जा, इस तरह का है ना भाव। अब देखिए 30 शब्द में मैंने, हाँ बिल्कुल ठीक आप लिख रहे हैं, ये अच्छी आप मददगार या सहायता वाले, आपकी अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही है। एक बार 30 शब्द मैंने क्या लिखे थे निकालिए, जरा थोड़ा सा आगे कीजिए। हाँ जी, मैं अकेला ही चढ़ा तो क्या चढ़ा, आ मेरे दोस्त मेरा हाथ पकड़, मंजिल पर अकेला मैं क्या करूंगा, मैं कितने ऊंचाई पर चढ़ जाऊं तो भी तेरा साथ रहे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। बिल्कुल वही वाक्य जो 3 शब्दों का सबसे पहले किसने लिखा था, ये देखिए मेरे भी दिमाग में यही कौंधा, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, ये चित्र कह रहा है। अब इसके 100 शब्दों में करना है, 100 शब्दों में क्या कहेंगे आप बताइए, आपकी तो बात इतने में खत्म हो गई, 100 शब्द बहुत होते हैं, कम से कम 10 वाक्य बनाने पड़ेंगे, पर एक वाक्य में 10 शब्दों तभी तो। हाँ आपने ठीक कहा, मैंने अभी कहा ना कोई नेगेटिव भी कर सकता है, बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात कही है,
देखिए ये प्रश्न पूछा है जी, 100 शब्द तो बहुत अधिक हैं, चित्र ना होकर कहानी लेखन हो गया, अब मैं क्या करूं, परीक्षक ने दे दिया 100 शब्द, अब आपको 100 शब्द। देखिए पत्र लेखन तो है नहीं, पत्र लेखन में तो फालतू की बात लिख नहीं सकते, इसमें तो कहा जा रहा है इस चित्र को देखकर कहानी बनाइए, सीधे सीधे आपको कहानी बनाने के लिए या बात बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उसमें फालतू भी होगी तो होगी। अब देखिए मैंने इस पर क्या लिखा, अभी आपके सामने रख रहा हूं, केवल उदाहरण के लिए रख रहा हूं, बाकी तो आप में से कई मेरे से ज्यादा सशक्त साहित्यकार होंगे। देखिए मंजिल पर जरा वो चित्र भैया नीचे कीजिए, चित्र नीचे कीजिए क्योंकि मैं वहां बस बस देखिए, मंजिल पर अकेले कूदते फलांगते चढ़ते जाना सरल है आसान है, कौन नहीं चाहता उन्नति की सीढ़ियां चढ़कर आसमान में ध्वज लहराना, परंतु वहां क्या होगा, नित्य अकेलापन साथी विहीन, मित्र पीछे छूट गए दोस्त नीचे रह गए, मैं सफल वे विफल, मैं आगे मेरे अपने पीछे, छी यह तो स्वार्थ है, अपना हाथ बढ़ा, जो साथी 2 कदम पीछे रह गए उन्हें भी साथ ले, कदम से कदम मिला, साथी के साथ चलना और भी मधुर है और रोमांचक भी, उसके लिए अपने कुछ कदम मंथर भी करने पड़े तो कर, कल का क्या पता, हो सकता है यह नीचे वाला साथी तुमसे आगे हो और तुम्हारी ओर ऐसे ही हाथ बढ़ा रहा हो, वो गीत सुना है ना साथी हाथ बढ़ाना, मैं फिर वहीं पहुंच गया साथी हाथ बढ़ाना। अब ये 100 शब्द में मैंने वही बात इसको लंबी कर दी, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये भी अच्छा है, यानी इस तरह के भाव देकर। ये अब नए कोर्स में जो नई तरह की चीजें आई हैं, मेरे यहाँ पर भी बहुत सारे चित्र थे और इनके वर्णन थे, मैंने बताया ना, मैं महेश जी से कहना चाहूंगा, ये जो आपने 5 टॉपिक दिए ना और कहा है कि ये 1.5 घंटे में, 1.5 घंटा भी क्यों, मेरे जिम्मे तो 45 ही मिनट में थे, ये तो गागर में सागर भी नहीं है, कम से कम वो गागर तो है, आप तो चम्मच में सागर समेटना चाह रहे हो, जब गागर में नहीं आ सकता तो मेरे चम्मच में क्या आएगा, 45 मिनट में, ये 5 दिन का काम है ये, तब जाकर ये विषय पूरी तरह से कहीं उसकी युक्तियां समझने होती हैं, बिना युक्तियों के केवल ऊपर से निकल जाना इससे बात बनती नहीं है, एक अधूरी अतृप्ति सी मुझे है इस विषय को रखते हुए, परंतु क्या करूं, 2 टॉपिक्स और हैं, उन 2 टॉपिक्स पर आऊंगा, जरा नेक्स्ट पर चलिए, आपके प्रश्नों का समय बाद में रहेगा, नेक्स्ट चले जरा। अगला टॉपिक था संवाद लेखन, संवाद लेखन में इस बार एक नई चीज जोड़ दी गई है, वह है स्थिति के अनुसार संवाद लिखना, पहले आपको छूट होती थी संवाद लिखिए, 2 सहेलियों का संवाद लिखिए, मर्जी है सहेलियां कोई भी गप मारे, 2 मित्रों का संवाद लिखिए, 1 दुकानदार और ग्राहक का संवाद लिखिए, 1 अध्यापक और बच्चे का संवाद लिखिए, आपको छूट होती थी किसी भी विषय पर बात कर लें, अब क्या होगा, एक स्थिति दे रखी होगी आपको, एक कहानी के कुछ शब्द दे रखे, इसको संवाद बनाइए, हाँ दी गई परिस्थिति के हिसाब से। अब आप, मैं इस विषय को और ढंग से ले लेता हूं, इतना मुझ पर समय नहीं है कि मैं खोज कर आपको वो पृष्ठ ढूंढ कर लाऊं, अभी इसी वाली मेरी कहानी में जो लघु कथा लेखन में मेरी सबसे पहली कहानी थी कुत्ता और समुद्र वाली, तो मैंने इस कहानी के अंदर क्या देखा, संवाद बहुत कम है, तो इसका एक आखिरी पोर्शन एक बार जरा आप लघु कथा की पहली कहानी जरा ढूंढिएगा, लघु कथा में चलिए और पहली कहानी का कुछ अंश है, आपके कोर्स में ऐसा अंश आएगा जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, बस देखिए ये आया, हो ना हो इसमें कोई रहस्य है, शायद कोई अनहोनी हुई है, मैंने पास खड़े गोताखोर को कुत्ते के रोने का रहस्य बताया, गोताखोर समुद्र की लहरों में नाव लेकर पहुंचा, देखा 10 मिनट बाद वह नाव में एक बेहोश आदमी को लादे चला आ रहा है, मैंने इस कुत्ते की स्वामी भक्ति को प्रणाम किया, अब मुझे लगा कि लोग कुत्ते को क्यों पालते हैं, पता यह भी चला कि डूबने वाले ने अपने बेटे की बेरुखी से तंग आकर समुद्र में छलांग लगाई थी, ये वर्णन है, ध्यान कर लेना, ये वर्णन है, वर्णन, अब इस वर्णन को संवाद में बदलना है, कोर्स में ऐसे ही आएगा, ये दिया अब इसको संवाद में बदलिए, अब मैं इसको संवाद में बदल रहा हूं, देखिए विषय समझ में आ गया कि कुत्ता समुद्र की ओर भाग रहा है, समुद्र की में कूदना चाह रहा है, मैं देख रहा हूं, मैंने गोताखोर को बुलाया और कहा कुत्ता क्यों रो रहा देखो तो, अब ये सारी स्थिति पर संवाद बनाइए, अब संवाद बनेंगे, संवाद में एक्शन भी लिखने हैं कि डर कर हाथ के इशारे से बुलाते हुए चिल्ला कर बोलते हुए, ये भी लिखना है, अब देखिए मैं इसको संवाद कैसे बना रहा हूं, मैं हाथ के इशारे से बुलाता हुआ, अरे भैया देखो तो ये तो कुत्ता रो रहा, कोई रहस्य जरूर है, गोताखोर पास आकर
ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा पास आकर, एक्शन देना पड़ेगा पास आकर। हाँ बाबू देखता हूं कोई बात तो है। 10 मिनट बाद, लो बाबू यह थी कहानी, इस कुत्ते का मालिक डूब रहा था, मैं बचा लाया। मैं बोला वाह यह कुत्ता है या कोई अपना ही पुत्र, खून का रिश्तेदार लगता है। गोताखोर बोला बाबूजी इसे कुत्ता ही रहने दो, बेटा ना कहो। मैंने पूछा क्यों? गोताखोर बोला अपने नालायक बेटे की छीना झपटी के कारण ही तो यह आदमी खुदकुशी कर रहा था। ये मैंने संवाद बना दिया। विषय ये था, इस एक तरह से चार जो पंक्तियां हैं, इन चार पंक्तियों के कंटेंट को समझकर आप इससे भी मार्मिक संवाद लिख सकते हैं। मैं अपने संवादों से सेटिस्फाइड नहीं हूं, ध्यान कीजिए, मैंने लिखे हैं क्योंकि मुझे आपको तुरंत ही समझाना था, और समझाने के लिए एक आध उदाहरण मैं बनाकर आपके समक्ष केवल रखूं, लेकिन शायद मैं इसको बड़े आराम से लिखूं तो इसमें इतना पहनापन ला दूंगा कि आप सिहर उठें, ऐसा हो सकता है। क्योंकि सबसे पहले ऐसे विषय को अपने मन में जाने देना होता है, जबकि आंख से जब करुणा बोलने लगती है उस समय जो शब्द आप बोलते हैं उन्हीं शब्दों का ही प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह के संवाद लेखन है, आप इस तरह के संवाद लेखन का अभ्यास करें कराएं, परिस्थिति आएगी, परिस्थिति के अनुसार संवाद लिखने की कला आपको सिखाना पड़ेगी। और सिखाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, मैंने कहा ना इसके लिए अलग वर्कशॉप चाहिए, तब तो कुछ बता सकता हूँ मार्मिक, वरना काम तो मैंने जैसे कैसे चला दिया है, टच तो कराया, कबड्डी में जैसा छू क्या, रेखा तो छुआ, रेखा मैंने छू दी है, बाकी खेल अपनी तरह का आराम से होता है। एक पांचवा टॉपिक था पदबंध, समय जो दिया गया था पदबंध के बारे में एक लाइन दो लाइनों में 2 मिनट में समझाऊंगा, बाकी 6 मिनट आपके। मुझे कहा गया बहुत सारे अध्यापकों ने यह बताया कि पदबंध विषय समझाएं, बहुत आसान है पदबंध, जो पद समझता है वो पदबंध भी समझता है। शब्द से पद कैसे बनता है, शब्द पाया जाता है डिक्शनरी में, बाहर होता है शब्द, और जब वो जैसे डब्बा खड़ा है रेलवे स्टेशन पर तो ये तो हो गया डब्बा, जैसे ही वो डब्बा गाड़ी में जुड़ा तो अब आप डब्बे को ये नहीं कहते डब्बा है, क्या कहते हैं गाड़ी है, वो गाड़ी हो जाता है, ध्यान कर लेना। वही डब्बा जो अकेला खड़ा था वो तो होता है रेल का डब्बा, वो तो होता है शब्द, लेकिन जब वो गाड़ी के अंदर जुड़ गया तो वो बन गया रेलगाड़ी, वो हो गया पद, ध्यान कर ले, शब्द और पद में ये फर्क है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो पद कहलाता है। ओके यहां तक तो आप समझते हैं। ये पदबंध क्या है? पदबंध सीधी सी बात है कि 8 तरह के शब्द होते हैं, 5 विकारी 5 अविकारी, समझते हैं ना आप, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विकारी और बाकी क्रिया विशेषण इत्यादि अविकारी, ठीक। आप 8 की जगह 5 मान लें, इसे पहले बात तो मान लें, मेरी इतनी बात मान लें, समय नहीं है, इतनी बात मान लें। 4 तो अविकारी शब्द हो गए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, 4। अरे 5 में 4ों को एक ही नाम दे दें क्रिया विशेषण, बस 5 तरह के पद होते हैं मान लें आप। अब ध्यान करें ये जो 5 तरह के पद हैं इन्हीं 5 तरह के पदबंध भी होते हैं। पदबंध का मतलब यह है जब कोई अकेला शब्द किसी पद का काम करे, संज्ञा का काम करे, किसी सर्वनाम का काम करे, अकेला करे सिंगल, तब तो वह कहलाता है पद, पर अगर 2 या 3 मिलकर उसी संज्ञा का काम करें तो पदबंध, सीधी सी बात ज्वाइंट ज्वाइंट, जब इकट्ठे 2-3 शब्द मिलकर एक संज्ञा का काम करें तो पदबंध कहलाता है। सर्वनाम अकेला, वह जा रहा है तो वह हो गया सर्वनाम पद, वह क्या हो गया सर्वनाम पद, आपका सदा मुस्कुराता रहने वाला वह जा रहा है, अब वह क्या है सदा मुस्कुराता रहने वाला वह, ये एक पदबंध बन गया। आपका रमेश जा रहा है, रमेश संज्ञा पद है, पर सोहन का भाई रमेश जा रहा है तो सोहन का भाई रमेश क्या है, ये भी तो पद का काम कर रहा है, पर पदबंध मिलकर पद का काम कर रहे हैं। जब एक से अधिक पद मिलकर किसी एक इकाई का काम करें तो वो पदबंध कहलाता है, बस इतनी ही बात है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। अकेला काम करें तो पद, और इकट्ठे मिलकर काम करें संयुक्त रूप से तो पदबंध। 5 तरह के होते हैं, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, कुछ लोग सर्वनाम पदबंध को नहीं मानते, मैं उनसे पूछता हूं क्यों नहीं मानते, होता है, पक्का होता है, सर्वनाम पदबंध भी होता है, विशेषण पदबंध भी होता है। जैसे आप किसी को कहें वह शहर का सबसे खूबसूरत लड़का है,
अगर कहें खूबसूरत लड़का, खूबसूरत विशेषण हो गया, शहर का सबसे खूबसूरत, ये एक पदबंध है, विशेषण पदबंध है, इकट्ठे मिलकर एक विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। सारे संसार में सबसे सुंदर युवती, अब ध्यान करें, सारे संसार में सबसे सुंदर, ये सुंदर नहीं है, ये छह चीजें मिलकर विशेषण का काम कर रहे हैं। तो ये पदबंध यानी विशेषण पदबंध हो गया। ऐसे क्रिया, वह जाएगा, वह जाता रहेगा, जाता रहेगा, दो में काम हुआ, तो ये क्या हुआ, क्रिया पदबंध हो गया। यूं कहें संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और क्रिया विशेषण यदि अकेले आते हैं वाक्य में तो पद कहलाते हैं। जब ये एकाधिक पद मिलकर अपनी उस एक इकाई का काम करते हैं तो वे पदबंध कहलाते हैं। ये संख्या में पांच होते हैं, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। मेरा काम पूरा हुआ महेश जी, जो काम आपने दिया था वो थोड़ा सा समय मैंने फालतू ले लिया, कोई प्रश्न हो तो आमंत्रित है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई, मैंने सुना था कि बिहारी जी ने गागर में सागर भर दिया था और आप कह भी रहे थे कि चम्मच में सागर भरवा रहे हो, और आज आपने सचमुच पांच विषयों को, हालांकि बहुत जल्दी समझाया लेकिन काफी अच्छे तरीके से आपने समझाया, और मैं समझता हूँ कि अधिकतर लोग संतुष्ट हुए होंगे। और फिर भी यदि किसी विषय पर असंतुष्ट रहे तो इसके लिए हम फिर कभी एक बड़ी कार्यशाला रखेंगे, और जिसमें कि अच्छे से किसी विषय को समझा जा सके और समझाया जा सके, जिस पर डिस्कशन हो सके। लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छे से समझा। अब मैं, ये हमारा Q&A सेशन है, क्वेश्चन आंसर, और अब मैं चाहूँगा कि यदि किसी को अपना कोई प्रश्न, अभी भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई किसी तरह डाउट्स हो, तो कृपया वो हाथ का सिंबल दिया होता है हाथ उठाने का, आप उस पे हाथ रेज करें ताकि हम आपको अनम्यूट करके और आपका प्रश्न ले सके। और अन्यथा मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं उनमें से जो आए वो आप ही लोगों के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए, सभी श्रेष्ठ अध्यापकों में से कुछ के जो प्रश्न हैं हम यहाँ पर ले सकेंगे, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं होती है। तो मैं चाहूंगा कि यदि किसी को प्रश्न पूछना हो तो कृपया वो अपना हाथ उठाए। ओके सर, मैं कोच्चि से बोल रही हूँ। वेरी गुड मैम, बहुत वेलकम है आपका। थैंक यू सर। मेरा डाउट यही है कि गोल्डन रेफरेंस बुक में आपने ततारा वामीरो लसन के पदबंध के एक्सरसाइज जो है उसमें एक क्वेश्चन जो आया था वो सैंपल क्वेश्चन पेपर में उसका जो उसमें आंसर की में लिखा था कि वह विशेषण पदबंध है, लेकिन गोल्डन टेक्स्ट बुक के अनुसार हमने बच्चों को पढ़ाया था विलक्षण रहस्य नामक एक क्वेश्चन की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी, उसमें विलक्षण रहस्य हमने गोल्डन देखकर उसके अनुसार ही हमने पढ़ाया था बच्चों को। संज्ञा पदबंध आंसर मैंने दिया था, लेकिन सैंपल क्वेश्चन पेपर में जब मैंने आंसर की देखी तो उसमें लिखा था विशेषण पदबंध, तो विलक्षण रहस्य जो है विशेषण पदबंध है या संज्ञा पदबंध जी? एक सेकंड, पहली बात तो ये है कि विलक्षण रहस्य संज्ञा पदबंध ही है, विलक्षण विशेषण है, विलक्षण विशेषण है, रहस्य विशेषण नहीं है। और जब विलक्षण रहस्य कहते हैं तो रहस्य शब्द मूल है, विलक्षण विशेषण उस पर आश्रित है। ध्यान करें, विलक्षण रहस्य ये संज्ञा पदबंध ही है, ये विशेषण पदबंध अगर कोई कहता है तो उसको स्पष्ट नहीं है, वो गलती पर वो है, हम नहीं है। ओके, सैंपल क्वेश्चन पेपर में ऐसा देखा था इसीलिए। ठीक, हाँ जी, हाँ जी, यही कह रहा हूँ कि वो संज्ञा पदबंध है, विशेषण पदबंध नहीं है वो। थैंक यू। अगर कोई ये कहता ये बहुत विलक्षण बात है तब ये विशेषण पदबंध होता, बहुत विलक्षण तब होता है विशेषण पदबंध। ध्यान करें, इसका विशेषण पदबंध बनाना है तो विलक्षण से पहले बहुत ही विलक्षण, ये हो गया पदबंध। जिसे आप एक शब्द है प्रविशेषण, प्रविशेषण क्या है, वो भी विशेषण का विस्तार है ना, विशेषण का विस्तार है वो भी। तो ध्यान करें, वो अगर दो चीजें मिलकर, दो पद मिलकर, दो विशेषण मिलकर जिसमें एक मूल है और एक उस पर आश्रित है,
अगर मूल और आश्रित है, ध्यान करें, मूल और आश्रित है तो वह पदबंध ही कहलाएगा। सुंदर विशेषण विशेषण पद है, बहुत सुंदर यह विशेषण पदबंध है, बहुत आश्रित है सुंदर पर, वह बहुत सुंदर लड़की है, ध्यान कर लेना। आप सुंदर नहीं हटा सकते, सुंदर हटाइए क्या होगा, वह बहुत लड़की है, कोई बात ही नहीं बनी। सुंदर मूल है, बहुत उसका विस्तार है, वह अत्यंत बहुत, ये सब उसके विस्तार है, इसीलिए वो विशेषण पदबंध है, यानी समझना भी पड़ेगा क्यों है। इसीलिए ना आमने सामने क्लास होती है, कितना भी टाइम है, फिर तो संतुष्टि ज्यादा होती है, हमेशा होता है। महेश जी मैं कहा करता हूं ना, ये इस तरह की वर्कशॉप आमने सामने होनी चाहिए, समझने वाले को सामने बैठकर, सर नहीं आया फिर कॉपी पर हाथ रखकर कहे सर ये नहीं आया समझ, या दूर से बैठे बैठे कसमसाता रहता है, पूछना चाह रहा हूँ पूछूं कैसे, वो ढंग से पूछ भी नहीं पाता है। हाँ, ये 20 में से नंबर कैसे रहेंगे पूछा गया, मैं नंबर बता देता हूँ। मोनिका मैम, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मंजू मैम, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ सर जी, बोलिए मैम। हाँ, गुड इवनिंग सर, मेरा तो स्पेसिमेन कॉपी के लिए था, तो उसका आ गया है सर आंसर, मैं मेल कर दूंगी, है ना। ओके मैम, ओके सर। मेरे पास कुछ दो चार क्वेश्चंस है। हाँ बताइए। जो आए हुए पैनल पे वो मैं नोट करे, वो मैं रख रहा हूँ। बोलिए। ये मैं चाहूंगा कि ये विषय रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, थोड़े करिकुलम रिलेटेड क्वेश्चन है। और पूनम मैम इसमें कंटिन्यू लगी हुई है और इस समय अच्छी है, CBSE कॉपी चेक कर रही है, तो मैं उनसे ये थोड़ा सा आग्रह करूंगा कि वे, ये बहुत कंफ्यूजन है और कई लोगों ने क्वेश्चन डाला है कि एक चैप्टर था 9th क्लास में धूल, दो चैप्टर 9th में से हटाए गए और बहुत सारे टीचरों को अभी भी कंफ्यूजन है, कीचड़ का काव्य और धूल, ये दो चैप्टर्स के लिए कई बार टीचर्स जो है पूछते हैं कि ये अब आएंगे नहीं आएंगे, तो प्लीज पूनम मैम आप थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए, टेक्स्ट बुक में अब परिवर्तन हो गया है तो ये चैप्टर्स है या नहीं है, प्लीज बताएं, आप कंटिन्यू पढ़ाते रहते हो। यार ऐसा है कि धूल चैप्टर तो पहले से ही हट चुका है, जो कि अभी बद्रा साहब ने भी बताया था कि नई वाली बुक में है ही नहीं धूल चैप्टर, लेकिन रीजन ये है कि बहुत सारे गाइड मटेरियल्स में या कई टीचर्स के पास पुराने एडिशन की बुक होती है, या सबसे बड़ी बात कि जब हम नेट में जाकर भी, आजकल जैसे इंटरनेट ज़्यादा यूज़ होने लग गए हैं ऑनलाइन टीचिंग के कारण, या ऑनलाइन क्लासेस में भी देखते हैं हम लोग, जब हम जाकर नेट से लेते हैं 9th के चैप्टर, तो उसमें भी नई बुक नहीं आ रही है, उसमें धूल चैप्टर वाली बुक भी आ जाती है, क्योंकि हम उसमें सेशन डालते नहीं है, सेशन नहीं डालते तो हम जब स्पर्श भाग एक निकालते हैं तो कोई भी बुक आ जाती है, तो उसमें धूल चैप्टर अभी भी कई बार आ जाता, कभी आता है कभी नहीं आता, क्योंकि हम अगर न्यू वर्जन करके डालते हैं तब तो नहीं आता, तो धूल तो टीचर्स ने अभी तक कंफ्यूजन ही बना हुआ है कि धूल चैप्टर है, और वो कोरोना पीरियड में काट दिया गया था जबकि उससे पहले एक साल पहले कट गया था वो, लेकिन फिर भी कई स्कूलों में चलता रहा। एक्चुअल में धूल चैप्टर बिल्कुल कट चुका है, लेकिन कीचड़ का काव्य चैप्टर जो है अब सिलेबस में से कट है, बुक्स में है अभी लेकिन सिलेबस में नहीं है, जैसे कि 10th में गिरगिट नहीं है सिलेबस में, ऐसे ही अभी धूल कीचड़ का काव्य चैप्टर भी नहीं है। धन्यवाद मैम, और मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए रखा, चूंकि आप कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं और आईसर स्कूल फरीदाबाद में HOD है मैम हिंदी में, और मैम पिछले 20-25 सालों से सेवाएं दे रही है, तो और ये भी है मैम के अभी जो है कीचड़ का काव्य और धूल जो है, ये दोनों ही चैप्टर मैं देख रहा हूँ, आप गोल्डन पे भरोसा कीजिए, और गोल्डन जो कहता है जो करता है, गोल्डन NCERT के साथ में CBSE के साथ में कदम से कदम मिला के चलता है, गोल्डन में कभी आपको जो भ्रामक सामग्रियां आपको दूसरी मार्केट में जो पुस्तकें बिक रही है उनमें यदि आपको कोई भ्रामक सामग्री मिल जाए, आप उनसे कंफ्यूज हो, तो प्लीज आप, मैं कहता हूं कि आप गोल्डन पे विश्वास कीजिए, गोल्डन साल में दो दो तीन तीन बार भी रिवाइज होता है, क्योंकि
हम नहीं चाहते किसी भी अध्यापक को, किसी भी बच्चे को, किसी भी पेरेंट्स को किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो। अगर हमारे पास पुस्तकें पुरानी होती है तो हम उनको रद्दी कर देते हैं, हम नई पुस्तकें लाते हैं मार्केट में। इसीलिए लाते हैं कि बच्चों को, टीचरों को, किसी भी पेरेंट्स को किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और जाऊंगी महेश जी, कंफ्यूजन की प्रॉब्लम क्यों आती है, मुझे समझ नहीं आता कैसे करना है, क्या करना है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि कई टीचर ऐसे होते हैं किसी दूसरे टीचर से बात करना चाहते हैं तो उनको मौका भी नहीं मिलता कि दूसरे टीचर से मिलकर कैसे बात की जाए, या अपने स्कूल में ये बात कहना कि मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, ये कहना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आए दिन बताते भी कहते हैं सिलेबस चेंज हो जाता है, कभी कुछ बदल गया, कभी कुछ बदल गया। सबसे बड़ी बात ये है कि जो CBSE से सिलेबस आता है उसके जो 4-5 पेज पहले दिए हुए हैं, हमें उन्हें बैठकर बहुत आराम से पढ़ना चाहिए। जब तक हम पेजेस को नहीं पढ़ते हैं तब तक हम सही से करा ही नहीं सकते कि हम क्या कराते हैं और क्या हमें कराना चाहिए। जैसे आंतरिक मूल्यांकन 20 नंबर का है, बहुत सारे टीचर्स को समझ में नहीं आता कि कैसे कराना है, जबकि वो कराने के लिए जब अगर आप ऊपर से पढ़ लेते हैं, अब आर्ट इंटीग्रेशन शब्द तो समझ लिया और उसका मीनिंग सिर्फ ड्राइंग के साथ रख दिया है, उसका मीनिंग सिर्फ ड्राइंग के साथ नहीं है, उसका मीनिंग है कि आप बच्चे को एक पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ और क्या चीज दे रहे हैं, वो किस तरह जुड़ रहा है उसके साथ, उसका मतलब ये है। ये सारी चीजें जब तक हम सिलेबस को पूरी तरह से पढ़ते नहीं है तब तक हमें CBSE का जो मेथड है वो समझ नहीं आ सकता। अब भी जो 9th स्टैंडर्ड में, अभी हमने इतना देखा कि ईमेल राइटिंग आई, क्योंकि आजकल हर बच्चे को ईमेल लिखनी आनी चाहिए, उसको शब्दों में बांध कर हम गलती कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, जो भी लघु कथा है तो वो अलग है, चित्र वर्णन है तो चित्र वर्णन क्यों दिया गया, चित्र वर्णन लघु कथा का टॉपिक क्यों दिया गया, चित्र वर्णन सिचुएशन बेस्ड क्यों दिया गया, बच्चों की काल्पनिकता बढ़ सके, कहानी जो है वो क्यों दी गई इस तरह से, क्योंकि रीडिंग जो है वो खत्म हो चुकी है। कोई बच्चा किताब फालतू पढ़ के राजी नहीं, हिंदी की तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता। अब अगर उसे पता रहेगा कि इस तरह की कहानी पे सहिष्णुता पर आ जाती है, परोपकार पर आ जाती है, अगर कहानी ऐसे आ सकती है तो टीचर्स और पेरेंट्स कुछ पढ़ने के लिए भी तो प्रेफर करेंगे ना, कि आपको कुछ पढ़ना भी चाहिए, कुछ टॉपिक 4 पढ़ेंगे तभी तो उसके बारे में लिख सकेंगे। उनकी रीडिंग बढ़ाने के लिए भी ये जो कदम है CBSE ने, इसलिए भी ये उठाया है कि बच्चे की काल्पनिकता और उसका पठन पाठन का जो दायरा कम हो गया है उसे थोड़ा बढ़ाया जा सके। और आंतरिक मूल्यांकन में सिर्फ एक सामयिक आंकलन जो है 5 नंबर का, कि किस किस टाइम पर हम टेस्ट लेते हैं, क्या करते हैं, वो मार्क्स 5 नंबर के जुड़ते हैं। बाकी बहुविध आंकलन में तो सारा वही जुड़ता है कि हम एक्स्ट्रा बच्चे को क्या कराते हैं, क्लास में वाद विवाद करवा रहे हैं, या हम भाषण प्रतियोगिता करवा रहे हैं, या हम उसे और किन चीजों के साथ, हिंदी की विधाओं के साथ जोड़ रहे हैं। टीचर्स को पोर्टफोलियो समझ में नहीं आता कि पोर्टफोलियो में क्या आना है। पोर्टफोलियो एक बच्चे का एक आईना है कि एक्चुअल में बच्चा क्या है। पोर्टफोलियो में मैंने देखा कि टीचर्स जो है पोर्टफोलियो में क्वेश्चन आंसर लिखे हुए बच्चों को कहते हैं आप इसमें डाल दीजिए, टोटली रॉन्ग, कि क्वेश्चन आंसर उसमें नहीं आने। बच्चा एक लेसन पढ़ने के बाद क्या ड्राइंग बना रहा है, उस पर क्या कविता लिख रहा है, उस पर अपने क्या विचार लिख रहा है, उस पर कैसे कहानी बना सकता है, कैसे उसके ऊपर संवाद कर सकता है, समाज को कैसे जोड़ सकता है, ये सब चीजें पोर्टफोलियो में आएंगी जो कि टीचर जो है वो नहीं करा पाते हैं। और श्रवण वाचन तो खैर सब करवा लेते हैं कि हमने कुछ सुनाया और बच्चे का कुछ सुना उसके आधार पर, तो ये जो आंतरिक मूल्यांकन है इसे भी एक बार बत्रा जी थोड़ा सा लेना चाहिए टॉपिक में, क्योंकि 20 नंबर बच्चा ये भी इसके भी लेता है। तो मैम ये आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, मैंने तो हालांकि आपसे कीचड़ का काव्य और धूल पे ही बात करी थी, आपने पूरा आंतरिक मूल्यांकन भी हमारे अध्यापकों को समझाया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और समय की भी अपनी कुछ सीमाएं है और मैं चाहूंगा कि फिर कभी इस तरह का कोई एक लंबा डिस्कशन रखेंगे। तो अभी आपने जो सुना डॉक्टर अशोक बत्रा जी को, तो आप जानते ही है कि डॉक्टर अशोक बत्रा जी जो है वो एक जाने माने भाषाविद है और इस समय एक
कवियों का एक संगठन उन्होंने बनाया हुआ है जिसमें 4,000 कवि पूरे भारत से जुड़े हुए हैं और उसके महामंत्री बत्रा जी है। और अभी पीछे एक राम पर काव्य पाठ करवाया गया था पूरे भारत में, पूरे भारत। उसमें शर्त ये थी कि आपको तुलसीदास जी की रामचरितमानस है या रामायण वगैरह के श्लोक से नहीं लेना। तो उसमें मैंने ये देखा कि सबसे ज्यादा अगर किसी कवि की कोई कविताएं रामपाठ में ली गई पूरे भारत में से, तो डॉक्टर अशोक बत्रा जी थे, जिनकी अनेकों कविताएं जो है सोशल मीडिया में चल रही थी और बच्चे बड़े बूढ़े क्या सभी उसको सुना रहे थे। तो डॉक्टर साहब को 2005 और 6 में बेस्ट ऑथर का अवार्ड मिल चुका है। ये मैं उनका इंट्रोडक्शन पहले भी दे सकता था चाहता तो, लेकिन आपको सुनने के बाद उनको कैसा, आप सबको उनको सुनने के बाद कैसा लगा, मैं अब उनका इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूँ। और डॉक्टर साहब जो है वो सोनी टीवी पे वाह वाह क्या बात है मैं बहुत बार उन्होंने अवार्ड जीते हैं, और एक अल्हड़ कवि का एक अवार्ड दिया जाता है हरियाणा के अंदर, बेस्ट कवि अवार्ड होता है। तो डॉक्टर साहब ने अल्हड़ कवि हरियाणा का बेस्ट अवार्ड भी जीता हुआ है और 2005-06 में बेस्ट अवार्ड व्याकरण ग्रंथों पर बेस्ट अवार्ड डॉक्टर साहब ने जीता हुआ है। और एनसीईआरटी की तरफ से और सीबीएसई की तरफ से एक प्रशिक्षक मार्ग मंडल में भी बत्रा जी कार्य करते हैं, और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ उनका कि सर हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ अध्यापकों का और कुछ जो हम जैसे व्यक्तियों का भी जो इस पब्लिकेशन में जुड़े हुए हैं टीचिंग और बुक्स के क्षेत्र में, उन सब का मार्गदर्शन किया। प्यारे शिक्षकों बहुत बहुत धन्यवाद अशोक बत्रा जी, धामा जी आपका, पूनम जी आपका और सभी का। हमें हम आज बहुत ही अच्छा लगा अशोक जी आपसे मिलकर, पूनम जी आपसे भी बहुत 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 आज का बहुत बहुत धन्यवाद योगिता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यारे शिक्षकों आपसे जुदा होने का तो मन नहीं है, लेकिन समय की कुछ सीमाएं है, मैं बार बार बता रहा हूँ। अब मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा अपने प्रतिभागियों का जिन्होंने अपना कीमती समय देकर के वेबिनार को सफल बनाया, और उसके बाद मैं डॉक्टर अशोक बत्रा जी का जिन्होंने आज एक नया मुहावरा मेरे लिए घड़ के दिया है। इससे पहले मैं सुना और पढ़ा था कि बिहारी ने गागर में सागर भरा, आज सर ने चम्मच में सागर भरने की कोशिश करी है, और उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और अंत में मैं धन्यवाद दूंगा न्यू एज पब्लिकेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सौम्य गुप्ता जी को, जिन्होंने इतना सुंदर वेबिनार आयोजित करा करके पूरे भारत के एक हिंदी भाषा के भाषाविदों को एक साथ जोड़ने का जो श्रेय सर को जाता है काबिले तारीफ है, और मैं उनकी दिल से प्रशंसा करता हूँ। और अब मैं थोड़ी कुछ काम की बात, अपने जो सभी अध्यापक हमारे साथ जुड़े हैं कृपया ध्यान दे के सभी गोल्डन की बुक्स है वो बहुत अच्छी है, और पिछली बार भी हमने स्पेसिमेन कॉपी के रूप में अपने अधिकतर अध्यापकों को भेजी थी, अधिक बदलाव बुक्स में नहीं है। इस बार जो नए अध्यापक जुड़े हैं उनको हम ये स्पेसिमेन कॉपी उनके लिए पहुंचाएंगे, और अभी जब वेबिनार खत्म हो जाएगा तो उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर फॉर्म या लिंक आएगा, उस पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे और आपका एक सर्टिफिकेट हैंड टू हैंड जैसे ही आप अपनी उस पर सबमिट करेंगे उसको फुल फिल करके पूरी तरीके से अच्छी तरीके से, तो उनको आपको अपना एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वहीं पर एक डाउनलोड का ऑप्शन होगा, कृपया आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो न्यू एज की तरफ से आपको वेबिनार का एक प्यारा सा सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। और कृपया अगर फिर भी आपको सर्टिफिकेट या स्पेसिमेन कॉपी में कोई दिक्कत होती है, प्रॉब्लम आती है, तो हमारी ईमेल आईडी जो आपको बार बार इस पे दिखाई जा रही है, और फिर भी मैं बता देता हूँ specimen@newagepublishers.com हमारी स्पेसिमेन की मेल आईडी है, आप उस पे हमें लिख सकते हो। editorial@newagepublishers.com पे अपने सवाल लिख सकते हो, कोई समस्या लिख सकते हो। मैं चाहूंगा कि आप बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें, क्योंकि पूरे भारत के लोग इसमें जुड़े होते हैं और बार बार सब लोगों को डिस्टर्ब होता है, कई लोग अपनी मीटिंग्स में, कई लोग अपनी क्लास में, कई लोग अपने घरों में होते हैं, बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, बहुत सारे लोगों को वो बॉक्स भर जाता है, देखना पड़ता है कि उनके किसी काम का मैसेज तो नहीं है।
तो कृपया आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज ना करके आप हमारी ईमेल पर अपने सवाल भेजिए, आप हमारी ईमेल आईडी पर अपनी प्रॉब्लम लिखिए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो हम आपके साथ सदैव जुड़े रहेंगे। और यदि आपको हमारी गोल्डन बुक्स, जैसा कि आप पहले ही आपके पास स्पेसिमेन कॉपी पहुंची और जो बचे लोग हैं उनके पास भी पहुंचेगी अभी नई किताब, तो कृपया अगर आपको हमारी बुक्स अच्छी लगे तो मेरा बार बार निवेदन है कि बच्चों से रिकमेंड करवाए, उनको इस पुस्तक को पढ़ने का मौका दे। और मेरा धन्यवाद आपको सभी, आप जुड़े, मैं हाथ जोड़ के आप सभी से धन्यवाद करता हूँ और आगे जुड़े रहने के लिए फिर से शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी पैनलिस्ट का, पूनम जी आपका भी, योगिता जी आपका भी, नमस्कार जी, सबका। बहुत खुश हुई हम आपसे मिलके, धन्यवाद, प्रणाम। दीवाना।